Okay, students, we'll start with a new chapter. Profits and gains of business or profession. Income under the head profits or gains of business or profession. इसमें सेक्शंस तो काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट, सेक्शन 28 से 44, ओके 44D तक है, ओके बट हमारे सिलेबस में सब कुछ नहीं है. सो द पार्ट विच इज़ एप्लीकेबल टू अस, रेलेवेंट टू अस, विच इज़ मोस्ट आस्ट इन एग्जामिनेशन ना स्टूडेंट्स, उतना ही पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स. देर आर लॉट मेनी सेक्शंस प्रोविजन्स इन दिस चैप्टर. सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है, 44, सेक्शन 44 तक जाता है स्टूडेंट्स, 44D तक, ओके. बट स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, सारे सेक्शंस हमारे सिलेबस में है नहीं, ओके. सो दैट पार्ट विच इज रेलेवेंट टू अस, ओके, विच इज आस्क्ड टू अस, दैट पार्ट विल बी कवर्ड ओवर हियर. सेक्शन 28 से 44DB तक जाएगा स्टूडेंट्स, ओके. बट अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, ध्यान रखना, हम सबके सब सेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे. जितना हमें एप्लीकेबल है, जो एग्जाम में पूछता है हमको, दैट शुड बी कवर्ड नाउ हियर. सेक्शन 28 to 44DB, ओके. सो अगेन आई रिपीट, सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हमको, हम लोग पढ़ेंगे 28, देन 32, 35, 40 एंड 43, बस इतने ही सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ओके. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 28. सेक्शन 28 क्या कहता है स्टूडेंट्स? अच्छा, अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज ना स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, वहाँ पे ऐसा कंडीशन था, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन इनकम एज इनकम फ्रॉम सैलरी, देर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मालिक नौकर का रिश्ता है, देन इट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट. सेम वे अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी कंडीशंस थे, वहाँ तीन कंडीशन थे स्टूडेंट्स. व्हाट वाज़ द कंडीशन नंबर वन? property must consist of building or land, apartment, structure होना चाहिए, something connected with that property, garden, मैंने कहा था lawn, courtyard, okay, approach road, garage, वो सब उसके अंदर आ गया. second condition, property should be owned by the assessee, जिसका हम income calculate कर रहे हैं ना, वो उसका owner होना चाहिए property का. third and the last students वहाँ पे कैसा था? property should not be used for own business or profession. खुद की property आप अगर खुद के business के लिए use कर रहे हो, it is not covered under income from house property, it is covered under profit gains business profession, है ना. तीन condition satisfy किया तो income from house property है, नहीं किया तो कोई दूसरे head में जाएगा students, वहाँ नहीं आएगा. Under section 28 या income, ये profits and gains of business profession students, यहाँ पे ऐसा कोई condition नहीं दिया है. section 28 ने directly उन्होंने हमें बता दिया है, इफ़ यू अर्न एनी ऑफ दीज इनकम, एक एक करके मैं वो इनकम लिखूंगा, इफ़ यू एंड आई या कोई भी है जो इसमें से कोई भी एक इनकम अर्न करता है, इसमें से कोई से भी एक इनकम वो कमाता है, सो दैट इनकम विल बिकम प्रॉफिट्स गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. वंस अगेन, यहाँ पे हम कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं. विल राइट डाउन सर्टन इनकम्स, इफ आई एम अर्निंग एनी ऑफ दीज इनकम, उसमें से कोई भी एक इनकम मैं कमाता हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज प्लीज प्लीज, देन दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी करके लिख लेते हैं, या नंबर वन टू थ्री जैसा भी लिखना हो. ओके, पहले स्टूडेंट्स नंबर ए, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन. वो पहला इनकम उन्होंने ऐसा कहा है, अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है या गेन हुआ है किसी बिजनेस में या प्रोफेशन में, सो दैट इज़ योर स्टूडेंट्स व्हाट, दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है हमें, प्रॉफिट गेन्स तो समझ में आता है स्टूडेंट्स, अभी बिजनेस किसको कहते हैं, उन्होंने बिजनेस को कैसा डिफाइन किया है, ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ बिजनेस स्टूडेंट्स, बिजनेस का मतलब क्या, सो बिजनेस को उन्होंने डिफाइन किया है स्टूडेंट्स,
आपको ये सेक्शन टू सब सेक्शन सॉरी क्लॉज 13 में मिलेगा, सेक्शन टू क्लॉज 13, वहां पे लिखा है बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट दे से एनी ट्रेड, देन दे से कॉमर्स। बिजनेस में क्या क्या आता है? ट्रेड, कॉमर्स, थर्ड मैन्युफैक्चर, फाइनली एनी एडवेंचर। इन नेचर ऑफ, एनी एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, सॉरी कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो ऐसा उन्होंने बिजनेस को डिफाइन किया है। सो तो पहला इनकम कौन से टैक्सेबल होती है? ये हेड में प्रॉफिट गेन्स में दे से दैट इफ यू ये मेक सम प्रॉफिट, यू अर्न सम प्रॉफिट और मेक सम गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? बिजनेस स्टूडेंट्स। अच्छा, वंस यू यूज द टर्म बिजनेस, सो प्रोफेशन भी उसमें कवर हो जाता है स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ बिजनेस कैसा डिफाइन किया है? ट्रेड, ट्रेड का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइंग सेलिंग। ट्रेड अगर कोई मुझसे पूछेगा तो ट्रेड इज नथिंग बट परचेज सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ट्रेड का मतलब सिंपल मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग, सॉरी बाइंग सेलिंग। ओके, कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो बाइंग सेलिंग बट ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब कैसा है स्टूडेंट्स? ट्रेड थोड़ा सा नैरो टर्म है, कॉमर्स थोड़ा सा वाइड टर्म है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके अंदर सारी वो एक्टिविटी कवर हो जाती है अंडर कॉमर्स विच आर रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यू कैन से। या ट्रेड मीन्स स्ट्रिक्टली बाइंग, आई मीन ट्रेडिंग। सो अगर मैं ऐसा टर्म यूज करूँ, आई एम ट्रेडिंग ऑफ सो एंड सो, आई एम ट्रेडिंग इन, आई एम सॉरी, आई मीन एक्टिविटी और आई एम अंडरटेकिंग ट्रेडिंग ऑफ सेल फोन, सो वॉट डज दैट इंडिकेट्स? आई मीन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेल फोन, ठीक है। तो ट्रेड बहुत नैरो टर्म हो गया। कॉमर्स मतलब ना स्टूडेंट्स, ये बाइंग सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आ जाती है वो भी इसके अंदर कवर हो गया स्टूडेंट्स। सो कॉमर्स यू कैन से इट्स द सेम बाइंग सेलिंग बट ऑन अ लार्ज स्केल। मैन्युफैक्चर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मैन्युफैक्चर मतलब जहां पे आपके पास कुछ इनपुट होगा, रॉ मटेरियल्स होगा, उससे आप क्या बनाएंगे? कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे, दैट इज योर मैन्युफैक्चर। सिंपल वर्ड्स में इनपुट आउटपुट, ओके। रॉ मटेरियल्स यूज किया, फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल्स यू गॉट अ फिनिश गुड्स और आउटपुट स्टूडेंट्स, ओके। एडवेंचर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? इन नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स। ये एक्चुअली केस ही था बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स, एंड आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे मेरा प्रोफेशन स्टूडेंट्स, आई एम इनटू टीचिंग, ओके। बट मैंने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने कुछ ना जमीन खरीदी बेची, परचेज सेल ऑफ लैंड, नॉट जस्ट वन ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे चार पांच ट्रांजैक्शन मैंने किए। सो कैन विट टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज देन स्टूडेंट्स, ओके। सो ट्रेड मतलब ये जो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रेवेन्यू जैसा ट्रांजैक्शन होता है, ओके। ऑन डेली बेसिस मेरा बिजनेस ही वो है बाइंग एंड सेलिंग का, इन सम गुड्स और इट कैन बी सम फिक्स्ड एसेट, वो किसी के लिए मेरे लिए सॉरी फॉर समवन इट कैन बी फिक्स्ड एसेट बट फॉर मी इट कैन बी स्टॉक इन ट्रेड। जैसा स्टूडेंट्स पीसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फॉर अस इट्स अ फिक्स्ड एसेट ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग वो बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन के लिए, ओके। सेल फोन फॉर अस यू कैन से इट्स अ फिक्स्ड एसेट, हो सकता है हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो स्टूडेंट्स, ओके। हमारा बेचना खरीदना काम नहीं है, बट द पर्सन इज डीलिंग इन लैपटॉप, द पर्सन इज डीलिंग इन सेल फोन्स, उसके लिए तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना, करंट एसेट हो गया उसके लिए स्टूडेंट्स। तो अभी मेरा तो स्टूडेंट्स प्रोफेशन टीचिंग का है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया, कुछ जमीन खरीदी बेची मैंने स्टूडेंट्स, ओके। सो व्हाट हैपेंस, ये ट्रांजैक्शन को हम कैसा कंसिडर करेंगे? या स्टूडेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मुझे पता चला कि समवेयर नियर मुंबई इन सबर्ब्स में, आउटर सबर्ब्स में कुछ जमीन ऐसी है, क्या होने वाला है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है बिकॉज गवर्नमेंट विल वांट टू एक्वायर इट फॉर सम प्रोजेक्ट,
मुझे पहले किसी ने बता दिया, अंदर के आदमी ने, हम लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट था वट एवर डिपार्टमेंट ना, ही टोल्ड मी, मेरी उससे जान पहचान थी। सो ऐसी बातचीत में उसने बताया कि थाने के आगे या कल्याण के आगे समवेयर ही सेइंग दैट कि प्लीज़ वहाँ पे ना ऐसी कुछ ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है फॉर सम प्रोजेक्ट। तो जब मुझे बात पता चली तो व्हाट आई डिड, मैंने वो ज़मीन ख़रीद ली। अब ज़मीन ख़रीदने के बाद जिस दिन जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो ऑब्वियसली आई विल गेट ए हायर प्राइस, जितने में मैंने खरीदी थी उससे ज़्यादा प्राइस मुझे गवर्नमेंट से मिला स्टूडेंट। सो व्हाट विल हैपन, शुड विल बी कंसिडर्ड कैपिटल गेंस, क्योंकि कैपिटल गेंस में भी ऐसे ट्रांजैक्शन आते हैं स्टूडेंट। अगर ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं स्टूडेंट्स, एक ही ज़मीन नहीं, बहुत सारी ज़मीन बेची खरीदी, ऑल दो आई मीन अ प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, बट मैंने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे मेरा इंटेंशन ही क्या था स्टूडेंट्स, इंटेंशन क्या था। देखो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता, खरीदना एक आध प्रॉपर्टी एंड देन वेट करना स्टूडेंट्स, वो कभी लाइफ में 5-10 साल के बाद जाके बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, यहाँ तो मेरा इंटेंशन ही क्या था। समवन ही टोल्ड मी फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इटसेल्फ कि आज खरीद ले, हो सकता है एक महीने बाद दो महीने बाद गवर्नमेंट जो है ना इसको एक्वायर करेगी, यू विल गेट अ ह्यूज कॉम्पनसेशन फॉर दैट। ओके, सो मेरा इंटेंशन शुरू से ऐसा ही था ना कि खरीद रहा हूँ मगर इसको कल बेचना, एक महीने बाद बेचना, वेन एवर द गवर्नमेंट एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टी। सो दैट इज वॉट इज एडवेंचर स्टूडेंट्स, आगे सोर में। सो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, बाइंग सेलिंग, कॉमर्स मीन्स अगेन बाइंग सेलिंग बट ऑन ए लार्ज स्केल स्टूडेंट्स, एंड इट कवर्स अदर एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग। ओके, मैन्युफैक्चर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कुछ इनपुट आप यूज करते हो टू गेट सम फिनिश प्रोडक्ट जिसको आप आउटपुट कहते हो स्टूडेंट्स। एडवेंचर मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है आपका कुछ प्रोफेशन और हो सकता है, आप कुछ सैलरीड क्लास पर्सन हो सकते हो, बट उसके साथ में आपने कुछ एक्टिविटी की स्टूडेंट्स, ओके, भले थोड़ी देर के लिए की आपने, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड ईयर, एडवेंचर में आता है वो। So that is considered under the term business. So if you make any profits gains from such business or profession students, so that is covered under section 28, which is profits and gains of business and profession. So ye first unhone bataya ki ye income number A ho jayega. Then we go to number B. मैं लिखूंगा एक ही सेंटेंस उसका स्टूडेंट्स, बट उसका बहुत वाइडर मीनिंग होती है। एनी कॉम्पनसेशन, ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन mentioned लिखे, चलो स्पेसिफाइड लिखते हैं, एनी पर्सन, सॉरी शुड बी स्मॉल एफ, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 28 क्लॉज 2 में आता है ये। ओके, नाउ इसका मीनिंग समझो स्टूडेंट्स, ये क्या है कॉम्पनसेशन, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है I was working in some company, ठीक है, either they were not satisfied with my service or for whatever reason I was retrenched, मुझे लात मार दी गई, भाई आप घर जाओ, ओके आपकी ज़रूरत नहीं है, for whatever reason students, so जब मैं जॉब छोड़ के जाने लगा तो मुझे कंपनी ने एक लमसम कॉम्पनसेशन दे दिया students, ओके। नाउ वॉट हैपन स्टूडेंट, जब ऐसा कॉम्पनसेशन मिलता था ना तो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ये केस बहुत आते थे ऐसे कि पीपल यूज टू क्लेम दैट दिस इज अ कैपिटल रिसिट, मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला हिसाब है ना स्टूडेंट्स, ये रोज रोज तो नहीं होता जॉब से निकाल देना, ओके ठीक है आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस था कि भाई आपको 3 साल ही वहाँ काम करना है, 3 साल के बाद आपको छोड़ना ही था। सो ड्यूरिंग वेन यू आर लीविंग द जॉब ना, कंपनी ने आपको कॉम्पनसेशन दिया एंड जो भी एम्प्लॉय होता था वो ये आर्ग्यूमेंट होता था, टैक्स जो टैक्स अथॉरिटीज थे दे यूज्ड टू से कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है इस पर टैक्स पे करो, वो कहते थे ये कैपिटल रिसिप्ट है, एम्प्लॉय द पर्सन हु इज रिसीविंग दैट कॉम्पनसेशन वो आर्ग्यू करता था नहीं ये तो कैपिटल रिसिप्ट है मैं इस पर टैक्स नहीं पे करूंगा स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे। सो लेटर ऑन दिस क्लॉज वॉज दिस सेक्शन क्लॉज वॉज इंट्रोड्यूस एंड देन इट वॉज डिसाइडेड कि भाई आपको अगर ऐसा कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है बिकॉज वट योर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड स्टूडेंट्स, ओके सो इन दैट केस ना, सो दिस
दिस विल बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू इनकम एंड यू हैव टू पे टैक्स. टैक्स पीपल का आर्ग्यूमेंट क्या होता था, ठीक है आपका आज जॉब छूट गया ओके एंड यू आर रिसीविंग दिस कॉम्पनसेशन, आप तो कल से नया जॉब कर लोगे. बट प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा नहीं होता स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम रिलेवेंट टाइम. अभी देखो जैसा कोविड का क्राइसिस है, मैनी पीपल बस अल्लाह खैर करे मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, माइट बी दे हैव रिसीव सम कॉम्पनसेशन फ्रॉम देयर कंपनी, बट क्या आगे जॉब उनको इतना जल्दी मिलेगा क्या स्टूडेंट्स? ये टैक्स अथॉरिटीज का आर्ग्यूमेंट ये होता था. एम्प्लॉय कहता था कि नहीं ये तो मेरे लिए कैपिटल रिसिट है, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है ना, कभी कभी. कैपिटल रिसिट रेवेन्यू रिसिट में हम अकाउंट्स में बेसिकली ऐसे ही फर्क समझते थे ओके स्टूडेंट्स, कि कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी होने वाली चीज, रेवेन्यू जो रेकरिंग बेसिस पे होता है, रोज रोज किसी का जॉब नहीं छूटता है स्टूडेंट, ये कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस ओके. तो एम्प्लॉय का आर्ग्यूमेंट होता था कैपिटल रिसिट आई वोंट पे टैक्स, और ये कैपिटल गेन्स में भी नहीं आता है, और वो आर्ग्यूमेंट ठीक था. कहीं कहीं पे वो रूलिंग अपहेल्ड हुआ ओके स्टूडेंट्स, अपील में भी अपहेल्ड हुआ. तो टैक्स अथॉरिटीज को नुकसान हो रहा था ओके क्योंकि ऐसा कॉम्पनसेशन मिला, इट वॉज नाइदर कंसिडर्ड एज सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन्स, तो एम्प्लॉय कोई टैक्स पे ही नहीं करता था ऐसे कॉम्पनसेशन में, तो हमारा टैक्स रेवेन्यू जा रहा था ओके. सो दिस क्लॉज वॉज इंट्रोड्यूस. नाउ अगर आपको ऐसा कॉम्पनसेशन मिलता है स्टूडेंट्स, सो इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. तो मैंने पूरा वो लिखा नहीं वहाँ पे स्टूडेंट्स ओके, आई हैव नॉट रिकॉर्डेड द एंटायर थिंग, बस आई हैव सेड कॉम्पनसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सो एंड सो. सो एनी पर्सन में बहुत सारे पर्सन कवर्ड है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स. हमारे मैंने कहा ना सिलेबस में हमारे जितना है ना स्टूडेंट्स उतना हम डिस्कस करेंगे. दे हैव सेड कि ये क्लॉज बी में ये आता है कॉम्पनसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 28 क्लॉज 2. तो अगर ऐसा कोई कॉम्पनसेशन होगा सो इट विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम स्टूडेंट्स ओके. तो वंस अगेन जैसे मैंने ये कॉम्पनसेशन का एग्जाम्पल लिया, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट्स. मैनेजमेंट नॉट इज जस्ट अ छोटा मोटा कोई एम्प्लॉय स्टूडेंट, कोई कंपनी का यू कैन से इट वॉज ए ही वॉज ए की पर्सन, CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर था. तो उसको भी जब जॉब से हटाया जाता है ना, दे रिसीव सम कॉम्पनसेशन स्टूडेंट्स. वो टर्म्स एंड कंडीशंस ना बिगनिंग व्हेन दे ज्वाइन फॉर दैट जॉब ना फॉर दैट पोस्ट ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आपको 3 साल के लिए रखा जा रहा है, 3 साल से पहले आपको हटाएंगे तो सो एंड सो कॉम्पनसेशन विल पे टू यू ओके. सो इन दैट केस एम्प्लॉय का आर्ग्यूमेंट होता था, अरे मुझे तो जॉब से हटा दिया गया, मुझे अगला जॉब कब मिलेगा, दिस इज कैपिटल रिसीव फॉर मी, डोंट टैक्स इट. इनकम टैक्स पीपल बोलते थे नहीं ये हम इसको टैक्स करेंगे. टू सेटल दैट डिस्प्यूट के बार बार ये केस कोर्ट में नहीं जाए, वंस फॉर एंड ऑल दिस क्लॉज वॉज इंट्रोड्यूस एंड दिस सेड कि अगर ऐसा कॉम्पनसेशन आपको कोई मिलता है देन इट विल कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. हम सैलरी की बात नहीं कर रहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ओके. एक लिक्विड कंपनी का शायद ऐसा केस था स्टूडेंट्स, उन्होंने ना लीज ट्रांजैक्शन, चलो जाने दो लीज, अभी आपको समझाऊंगा तो इट विल बी बाई क्वाइट कंफ्यूजिंग. बेटर अगेन आई रिपीट कि जितना हमारे सिलेबस में है वही इतना हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी जाने दो. सो आपके लिए मैं रेफरेंस में खाली रेफरेंस में ऐसा लिख देता हूं. इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसा डिफाइन कर देता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए, कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन और इट कैन बी मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. मेरे पास पेप्सी का जो है ना फ्रेंचाइजी है स्टूडेंट्स, या आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दैट पेप्सी और एनी प्रोडक्ट ओके स्टूडेंट्स. अब मैं बहुत सालों से उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ, बिकॉज ऑफ एनी रीजन कुछ भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया. बट स्टूडेंट जब वो टर्मिनेट करेंगे तो मैं आर्ग्यू करूंगा ना कि सर फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स आई वर्कड एज एन एजेंसी और एज योर फ्रेंचाइजी, एज अ डीलर, एज अ होलसेलर फॉर योर प्रोडक्ट. ठीक है आपने एडवर्टाइजमेंट किया था बट मार्केट में तो मैंने मेहनत की थी ना वो शॉप्स को कस्टमर्स को जमाने के लिए स्टूडेंट्स ओके. सो मैंने जो मेहनत की थी उसका कॉम्पनसेशन तो दो. सो व्हेन दे टर्मिनेट दैट कॉन्ट्रैक्ट और इफ देर इज एनी मॉडिफिकेशन, भले मुझे निकाला नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, दे विल पे मी सर्टन कॉम्पनसेशन. वो कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ऐसे किसी भी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट सोच सकते हो. एक तो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया एम्प्लॉय है, निकाला गया उस वक्त उसको जो कॉम्पनसेशन मिला, की पर्सन है वो कंपनी का. एक जैसा मैंने अभी वो एग्जाम्पल दिया कि आई एम ए डीलर
या यू कैन से फ्रेंचाइजी होल्डर या एजेंसी होल्डर ऑफ पेप्सी और एनी कंपनी, अब वो लोग मुझे निकाल रहे हैं, कह रहे नहीं भाई हम नया डीलर लाना चाहते हैं, ओके, सो दे विल पे मी सम कॉम्पनसेशन. मैं आर्ग्यू करूंगा ना, ऑब्वियसली 5 साल 10 साल उनके साथ काम किया, मार्केट में उनका प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था तो भागा दौड़ी तो मैंने की थी स्टूडेंट्स, ओके, तो मैंने उनका बिजनेस जमा के दिया, नाउ दे आर सडनली दे आर सेइंग आपकी ज़रूरत नहीं है, सो दे विल पे मी सर्टन कॉम्पनसेशन. सो दैट कॉम्पनसेशन की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है. अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए स्टूडेंट्स, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, नंबर सी. नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, इनकम डिराइव्ड बाय, इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन. For services performed, या services provided to members. ये थोड़ा आसान है, पहले दो जो हमने लिखे उससे. इसका simple meaning क्या students? जैसा lawyers का अपना एक association होता है, Bar Council of India. Students, हमारे जो local shopkeepers हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अंधेरी मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ओके, किराने की दुकान ग्रॉसरी शॉप, उनका एक एसोसिएशन होता है, ओके. सो वी हैव एसोसिएशन ना, ऐसे एसोसिएशन बिजनेस में प्रोफेशन में होती हैं स्टूडेंट्स. सो ये एसोसिएशन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, दे कलेक्ट सम डोनेशन, यू कैन से डोनेशन अच्छा टर्म नहीं है, दे कलेक्ट सम सर्टन अमाउंट फ्रॉम देयर मेम्बर्स. जैसे हमारे लोकेलिटी में कोई किराने की दुकान है, ग्रॉसरी शॉप है, उनका एक एसोसिएशन है, सो दैट एसोसिएशन विल डू, जो पर्टिकुलर जितनी किराने की शॉप है ना, उनसे वो लोग कुछ मंथली 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ दे टेक सम कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम देम, ओके. वो कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करके क्या करते हैं, उससे उनसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को स्टूडेंट्स. सो दैट्स व्हाट हियर इट इज कवर्ड, इनकम डिराइव बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स मेंबर्स. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आउटसाइडर को नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है. नंबर डी, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, ये हमने टर्म पहले भी सुना है, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ये वापस से हमारे सामने आ गया. बेनिफिट परक्विजिट, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मैं इतना ही लिख रहा हूं. देखो, एक इनकम फ्रॉम सैलरी में भी बेनिफिट होता था, परक्विजिट होता था स्टूडेंट्स, ओके. बेनिफिट का मतलब या परक्विजिट का मीनिंग अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज, आई सेड कि दिस इज नथिंग बट अ बेनिफिट विच इज अटैच टू अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन. वहां पे मैंने ऐसा टर्म यूज किया था, है ना. अगर आप MD हो तो आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी और कंपनी की तरफ से आपको घर भी मिलेगा रहने के लिए, अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन. सो दैट इज अ बेनिफिट अटैच इफ यू आर एन MD. उसी कंपनी में कोई बेचारा अकाउंटेंट है या प्यून है स्टूडेंट्स, या कोई क्लेरिकल जॉब करता है, तो उसको कार नहीं मिलती कंपनी से, या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलता है उसको, ओके. सो परक्विजिट मींस बेनिफिट अटैच टू पर्टिकुलर डेजिग्नेशन अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. अभी ये मैं किस तरह की परक्विजिट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट आपको समझाने के लिए, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, या कोई लॉयर है, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट है, कोई CA है, उन्होंने अपने क्लाइंट से क्या कहा कि मैं आपका ये काम करूंगा, वट एवर सर्विस दे हैव टू प्रोवाइड, इन रिटर्न ना यू डोंट पे मी इन कैश और यू डोंट पे मी बाय चेक, आप कुछ कैश में मत देना, मुझे कुछ गिफ्ट कर देना, गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ, समझो कुछ बड़ा काम था, वो CA ने जो काम किया या लॉयर ने कुछ काम किया, वो फीस अप्रॉक्सीमेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 20 लाख आ रही थी, तो उसने क्या किया, मुझे चेक भी मत दो, कैश भी मत दो, 20 लाख का वर्थ कोई गिफ्ट दे दो. तो जिसका उसने काम करके दिया था, दैट पर्सन ना, ही गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ 20 लाख, सो दैट कार इज कवर्ड हियर. यू आर नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ दैट पर्सन. मैंने क्या कहा, आप CA हो, लॉयर हो, ओके, यू आर ए प्रोफेशनल, ओके, यू प्रोवाइडेड सर्टन सर्विसेज टू योर क्लाइंट. अब क्लाइंट से आपने कैश नहीं लिया, चेक नहीं लिया,
आपने क्या कहा, उससे कुछ गिफ्ट ले लिया, इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट, जो भी आपका फीस होता था, इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट यू टुक अ गिफ्ट फ्रॉम दैट पर्सन. तो क्या ये गिफ्ट यहाँ पे परक्विज, एक तरह से बेनिफिट हो गया ना स्टूडेंट्स, तो क्या ये बेनिफिट यहाँ पे टैक्सेबल हो गया, परक्विजिट टैक्सेबल होगा? यस स्टूडेंट्स, भले ये इन काइंड है ना स्टूडेंट्स, ये कार इन काइंड है ना, कैश में तो नहीं मिला, बट कार का वैल्यू तो सबको मालूम होता है स्टूडेंट्स, इट कैन बी इजिली डिटरमाइंड. नई कार है तो ईजिली मालूम पड़ जाएगा, ओल्ड भी है तो अभी मालूम पड़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो यू आर नॉट टेकिंग एनी कैश, आपने कुछ काम, क्विड प्रो को कहते हैं ना स्टूडेंट्स, के किसी के लिए कुछ करना बदले में कुछ लेना. तो यहाँ बदले में आपने कैश और चेक नहीं लिया, बदले में उसने आपको, चलो 20 लाख फीस होती थी, खुश होकर उसने आपको 25 लाख की गाड़ी दे दी. आगे सर में स्टूडेंट्स, तो उसने 5 लाख का, 20 लाख तो आपकी फीस थी, 5 लाख और बेनिफिट पहुंचा दिया आपको, परक्विजिट वैल्यू ऑफ दैट कार इज 25 लाख. तो कितना टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा 25 लाख. इफ यू आर ए CA, लॉयर, डॉक्टर, एनी प्रोफेशन और एनी बिजनेस, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, इन रिटर्न यू आर गेटिंग सम, यू कैन से गिफ्ट या कंसिडरेशन काइंड में है, कैश या चेक से नहीं मिला. सो जो भी कंसिडरेशन आपको काइंड में मिला स्टूडेंट्स, एज अ गिफ्ट मिला, दैट गिफ्ट इटसेल्फ बिकम्स टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. सो उनमें भी आता है, लॉजिकल है. आप प्रोफेशन में हो, आप कैश चेक नहीं ले रहे हो, उसकी जगह कार ले रहे हो स्टूडेंट्स, उससे तो कार का वैल्यू विल बी टैक्सेबल फॉर यू. ओके, सो दैट्स वॉट हियर दे डिस्कस बेनिफिट परक्विजिट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो मैं आगे नेक्स्ट में लिखने वाला हूँ ना आपको, तीन, वो तीनों ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है स्टूडेंट. प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ड्यूटी, आई विल एक्सप्लेन तीनों साथ में, मैं बता दूंगा ये है क्या. ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ओके. नेक्स्ट नंबर एफ, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट, या रिप्लेसमेंट भी कहते हैं शॉर्ट में, रिप्लेनिशमेंट सॉरी सर्टिफिकेट. ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज. सर्टिफिकेट. नेक्स्ट जी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, आपके रेफरेंस के लिए हो सकता है कस्टम एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक. अभी एक्साइज ड्यूटी तो खत्म हो गया स्टूडेंट्स, बट देर आर स्टिल सर्टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी होता है. कस्टम एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब रिफंड. एक्चुअली ये तीनों है क्या, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. अगेन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे हम पे हमको नहीं आएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी होंगे हमारे सिलेबस के. ओके, बट वी मस्ट नो कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है. तो स्टूडेंट्स ये क्या नहीं, तीनों भी इसको ऐसा समझो, आई मीन एक्सपोर्ट बिजनेस, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ कुछ प्रोडक्ट बना के एंड एक्सपोर्ट करता हूँ, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, जस्ट एक्सपोर्टर एज अ ट्रेडर. मैंने गुड्स खरीदा इंडिया में और मैंने मुझे बाहर भेजना है, इसको एक्सपोर्ट करना है स्टूडेंट्स. सो व्हाट हैपेंस टू प्रमोट एक्सपोर्ट ना, तो गवर्नमेंट आपको ना ये सब स्कीम्स देती है. ओके, ये सब इंसेंटिव्स देती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये सब आता है स्टूडेंट्स. व्हाट द गवर्नमेंट सेज, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, माइट बी एनी प्रोडक्ट, जो आप एक्सपोर्ट करें ना, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ इनपुट्स लगे. इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल. वो इनपुट जो था ना, वो बाहर से आया, बाहर से आया मतलब वो इम्पोर्टेड था. प्रोडक्ट जो है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो इंडिया में बना और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपका बिजनेस है. बट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट यू रिक्वायर सर्टन रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट होता है स्टूडेंट्स. ओके, यस, ऐसा समझो कुछ प्रोडक्ट ही आता है, फिनिश प्रोडक्ट ही आता है इंडिया से बाहर से, वो इम्पोर्ट होता है. यहाँ पे कुछ थोड़ा वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होने के बाद उसमें कुछ है ना स्टूडेंट, कम ज्यादा करके वैल्यू एडिशन, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, दैट इज नॉट द करेक्ट मीनिंग फॉर वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन करने के बाद उसी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपका बिजनेस है स्टूडेंट्स. तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब इनपुट या वो प्रोडक्ट जब आपने इम्पोर्ट किया था, तो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया होगा. अब वही प्रोडक्ट आप वापस इंडिया से बाहर जा रहे हैं एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट सेज दैट जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया था ना इम्पोर्ट पे, हम उसका आपको आपको क्रेडिट देंगे.
या तो ड्यूटी आपकी माफ हो जाएगी कस्टम ड्यूटी, या उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, मतलब जब एक्सपोर्ट करोगे ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी में से आप माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स वो। सो दैट्स व्हाट ईयर इट इज़ कवर्ड। तो उसके लिए ना आपको ये जो है ना ऐसा एक सर्टिफिकेट्स, जैसा आपको परमिट मिलते हैं ना बस के परमिट, टूर परमिट्स होते हैं, इफ़ यू हैव एन आइडिया स्टूडेंट्स, अगर आपको आइडिया हो, और जैसा अपना टेलीकॉम लाइसेंस मिलता है, ओके, इफ़ यू हैव फर्दर आइडिया, लिक्वर, ये जो बियर बार्स होते हैं इनका भी लाइसेंस होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ सर्टिफिकेट लाइसेंस प्रोवाइडेड फॉर द बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसी ये ना एक्सपोर्टर को ये लोग ऐसा ये सब सर्टिफिकेट और ये पासबुक स्कीम ऐसा एक पीस ऑफ पेपर समझो उसको, ओके, एक तरह का लाइसेंस है कि दिस पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो उसने इनपुट जो था रॉ मटेरियल था इम्पोर्ट किया था, इम्पोर्ट के वक्त उसने कस्टम ड्यूटी पे किया था। सो द पर्सन हु हेल्ड्स दीज सर्टिफिकेट्स और दिस पासबुक स्टूडेंट्स ना, दिस पर्सन इज अलाउड टू क्लेम क्रेडिट ऑफ दैट कस्टम ड्यूटी, उसको कस्टम ड्यूटी या तो रिफंड मिल जाएगी स्टूडेंट्स, या वो एडजस्ट होती है। आई वोंट गो इन टू डिटेल्स, वो बहुत टेक्निकल है, हमारे समझने के लिए जितना हमको चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये उसकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट्स आप चाहें ना तो ये लाइसेंस ट्रांसफर भी होते हैं, अगर इफ़ यू हैव एनी आइडिया टेलीकॉम लाइसेंस भी, पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो हच मैक्स टच, होते 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 अभी कौन कौन सी कंपनी ने उसका लाइसेंस लेते लेते कहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स अभी, ओके। सो लाइसेंस ट्रांसफरेबल भी होते हैं, कुछ ट्रांसफरेबल नहीं भी होते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। मैंने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट उसका क्रेडिट ले लिया, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट्स अ सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स। सो इंपोर्ट लाइसेंसेस या ऐसे लाइसेंसेस जो आप ट्रांसफर करते हो ना किसी और को, आपने लाइसेंस दिया तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ पे करेगा, तो पे करेगा तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट टैक्सेबल होता है एज एन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ओके। तो ये कुछ नहीं है बट स्टूडेंट्स क्या है, अगेन आई रिपीट, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिला, आपने वो लाइसेंस ही ट्रांसफर कर दिया, आपका काम पूरा हो गया, आपने लाइसेंस ट्रांसफर किया, उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट इज कवर्ड हियर। सेम वे एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ओके, जैसे कस्बे ने कहा ना कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी भी, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे की जाती है, अब तो एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ओके, देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स अभी भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो ये जब आप एक्सपोर्ट करते हो प्रोडक्ट को ना तो उसका कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी आपको रीफंड ड्रॉबैक मिलता था, रीफंड मिलता था, सो दैट रीफंड इज ऑल्सो कवर्ड हियर। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, हमको ना ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछेगा, हमको खाली क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्साइज कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि विच टाइप ऑफ इनकम इट इज, हाँ कस्टम एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक मींस इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको उसमें टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये होता क्या है। क्वेश्चन में शायद लिखा होगा प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, तो कौन सा इनकम है, हाँ दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो पासबुक स्कीम है क्या, आपको सब टेक्निकल पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाता है, ओके, ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज अ सिंपल मीनिंग। सो दीज आर नथिंग बट ई एफ जी, ये तीनों भी ना स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देती है स्टूडेंट्स, ओके। सो जो बेनिफिट है ना एक तरह का लाइसेंस है, वो लाइसेंस अगर आपने बेचा किसी और को और उससे जो प्रॉफिट होगा दैट इज कवर्ड हियर, ओके। देन स्टूडेंट्स एनी सैलरी इंटरेस्ट, ये मैंने पहले भी बताया था आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज में, बोनस कमीशन टू अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। देखो हमने जब इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा था ना तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलता है, ऑल दो वी राइट द टर्म रेम्यूनरेशन अंडर अकाउंट स्टूडेंट्स, क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था नो इट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज पार्टनर इज नॉट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, है ना, मैंने ऐसे कहा था ना स्टूडेंट्स। तो अच्छा वो फिर रेम्यूनरेशन इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है तो क्या है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पार्टनर तो एक्चुअली ओनर होता है फर्म में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अब अगर आप पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, बोनस कमीशन मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। बट अगेन आई रिपीट, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे सिलेबस में ना दे विल आस्क क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टूडेंट्स, ओके, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का वो हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट ऑब्जेक्टिव्स में पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स में ऐसा कुछ पॉसिबल है, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यू हैव टू रिमेंबर
सैलरी इंटरेस्ट बोनस कमीशन टू अ पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म. तो हमने सीखा था कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है. तो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है तो कौन सी इनकम है? ये कौन सी इनकम है? ये बिजनेस प्रोफेशन इनकम होती है. ओके, यहाँ तक आ गए अभी हम लोग. नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं सीधा एकदम शॉर्ट में लिखूं, कॉम्पनसेशन. बहुत टेक्निकल वर्ड से अच्छा ये रहे, कॉम्पनसेशन फॉर नॉन कॉम्पीट, ये अच्छा टर्म होगा मेरे हिसाब से. तो एग्रीमेंट, हाँ चलो यही लिखते हैं स्टूडेंट्स. क्यों टेक्निकल वर्ड्स लिखना, जो जल्दी समझ में आ जाए वो अच्छा है. ओके, इसका सिंपल मीनिंग बताऊं स्टूडेंट्स. टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, पार्टनरशिप था या दोनों साथ में बिजनेस करते थे स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, वो बिजनेस देखो, बिजनेस क्या था? एक ट्रेडिंग बिजनेस था. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ट्रेडिंग इन स्टील. दोनों मिलके बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग इन स्टील. और सपोज एक और बिजनेस था स्टूडेंट्स उनका, ट्रेडिंग इन कैसा कहेंगे इसको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुछ ऑयल वगैरह बेचने का इनका बिजनेस था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ एनी रीजन दोनों में पार्टनरशिप थी, नहीं जमा दोनों में, तो दे डिसाइडेड कि विल पार्ट वेज, हम लोग अलग अलग जाते हैं, अपना अपना बिजनेस खुद करेंगे. तो दोनों में डिसाइड क्या हुआ कि एक्स जो है ना वो स्टील का बिजनेस ले लें, और वाई कहता है चलो ठीक है भाई मैं पेट्रोलियम का बिजनेस मैंने ले लिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके साथ में दोनों ने क्या किया, एक्स और वाई के बीच में ना एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हुआ. नॉन कॉम्पीट मतलब ना, नॉन कॉम्पीट मतलब दोनों के बीच में तय हुआ कि 5 years, 10 years या 15 years हम लोग दोनों एक दूसरे का बिजनेस नहीं करेंगे. वॉट इट मीन्स कि दे डिसाइडेड ऑन द डे ऑफ पार्टीशन, जब अलग अलग हुए ना स्टूडेंट्स बोले, द डे वेन दे वर पार्टिंग वेज, दे डिसाइडेड चलो एक्स ने कहा मैं स्टील का बिजनेस करता हूँ, वाई ने कहा ठीक है मैं पेट्रोलियम का कर लूंगा. एंड दे हैड ए नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि 5 years वाई जो है ना ट्रेडिंग का बिजनेस, स्टील का बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, 5 साल तक वो स्टील के बिजनेस की तरफ देखेगा भी नहीं. और एक्स ने कहा ना स्टूडेंट्स कि ठीक है मैं 5 साल के लिए पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा. क्यों ऐसा डिसाइड हुआ? ऑब्वियसली पहले दोनों का बिजनेस अलग था ना, सो ये सारे क्लाइंट्स को ये लोग दोनों जानते थे, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करना है, परचेज करना है, और इसकी मार्केट कहाँ पे, कहाँ ये बिकता है अच्छे प्राइस में, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से जानते थे ना. अब दोनों स्टूडेंट्स बिजनेस अलग अलग हो गया, अगर एक्स पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट कर दे और वाई स्टील का स्टार्ट कर दे तो आपस में ही कॉम्पिटिशन हो जाएगा. दोनों के क्लाइंट कस्टमर सेम होंगे, जहाँ से गुड्स लाते थे वो भी सेम होंगे, एक दूसरे का ही नुकसान होगा ना. तो दोनों क्या डिसाइड करते हैं, भाई मैं 5 साल तक स्टील का बिजनेस करूंगा, पेट्रोलियम नहीं करूंगा भले कुछ और करूं. वाई कहता है मैं 5 साल तक पेट्रोलियम का बिजनेस करूंगा, स्टील का बिल्कुल नहीं करूंगा भले और कोई बिजनेस करूं. सो दैट इज नोन एज व्हाट, नॉन कम्पीट, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करना. ओके, दैट इज द सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स. तो अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन, सॉरी नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट होता है ना, तो इसमें कुछ कॉम्पनसेशन एक दूसरे को पे किया जाता है. सो दैट कॉम्पनसेशन इज कवर्ड ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाट इज नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट. सो इट्स प्रैक्टिकल सिचुएशन. ठीक है, एक्स दोनों मिलके साथ में बिजनेस करते थे, स्टील और पेट्रोलियम का. नाउ दे पार्टेड वेज, एक्स ने कहा मैं स्टील का बिजनेस संभाल लूंगा, वाई ने कहा मैं पेट्रोलियम. बट दोनों ने आपस में डिसाइड भी किया, एक एग्रीमेंट भी साइन किया कि फॉर 5 years एक्स विल नॉट स्टार्ट एनी पेट्रोलियम बिजनेस एंड वाई विल नॉट स्टार्ट एनी स्टील बिजनेस. आगे सर में, सो दैट इज नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट स्टूडेंट्स. एंड फिर वो लोग एक दूसरे को कुछ कॉम्पनसेशन, ठीक है एक्स अपना एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है ना कि मैं पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, वाई भी तो एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है स्टील, या तो जीरो कॉम्पनसेशन होगा या आपस में कुछ डिसाइड होगा कि भाई एक्स पेट्रोलियम का बिजनेस मैं नहीं कर रहा ना, तो वाई से वो कहेगा मुझे 1 लाख देना, और वाई से वो कह सकता अरे स्टील का बिजनेस मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, स्टील का बिजनेस तो बहुत अच्छा होता है, उसको तो उसमें ज़्यादा कमाएगा तो तू मुझे 2 लाख देना. आगे सुन, सो दिस इज अ कॉम्पनसेशन. वाई विल पे हिम 1 लाख टू एक्स. वाई क्यों पे कर रहा है वाई 1 लाख? ताकि एक्स पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट नहीं करे. और एक्स 2 लाख इसको क्यों पे कर रहा है वाई को? ताकि वाई कोई स्टील का बिजनेस स्टार्ट नहीं करे. आगे सुन में स्टूडेंट, सो दिस इज नोन एज नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट. और ये कॉम्पनसेशन जो मिलता है स्टूडेंट, दैट इज कवर्ड हियर इन. ओके, नेक्स्ट इज जे, नंबर जे. ये स्टूडेंट्स है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको नंबर जे जो है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये कैपिटल गेन्स में हम लोग सीखेंगे. आज मैं इसको बिल्कुल टच ही नहीं करता हूँ, मैं खाली लिख देता हूँ.
fair market value of inventory on date when it is treated as कैपिटल एसेट. इसको जाने दो स्टूडेंट्स, ये अभी टाइम बीन इसको इग्नोर कर दो. वेन वी स्टार्ट विद कैपिटल गेन ना, जब हम सीखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद के. चलो एक ये नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेंगे. सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. ये भी सिंपल है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ये इंश्योरेंस पॉलिसी ना स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर निकालता है, ओके, और इसका प्रीमियम भी एम्प्लॉयर ही पे करता है. बट इट इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयी स्टूडेंट्स, ओके. सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, किसी कंपनी में ना, किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का हो या उनका सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, इज अ वेरी गुड गाय, टैलेंटेड गाय, ओके. उसका नाम कुछ भी है स्टूडेंट्स, मिस्टर एस, ओके. ही इज अ की पर्सन इन दैट सेल्स डिपार्टमेंट. मतलब इसका मार्केट में कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इससे बिजनेस को बहुत फायदा होता है स्टूडेंट्स, ओके. इसका रिलेशन मार्केट में बहुत अच्छा है. सो इट्स अ की पर्सन फॉर द कंपनी. कल को गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, ये एस मर जाता है स्टूडेंट्स, या सो कुछ नुकसान पहुंचता है, एक्सीडेंट हो गया, अब बेचारा काम नहीं कर सकता, मर गया, ओके. तो ऐसा सिचुएशन में कंपनी का बड़ा नुकसान होगा ना, बिकॉज एस से कंपनी को बहुत उम्मीद है. ठीक है, इसने अभी ज्वाइन किया है, 2-3 साल हो गया, मगर कंपनी जानती है टैलेंटेड है, मार्केट में कॉन्टैक्ट्स अच्छा है, कैसा कस्टमर से रिलेशन रखना है, कैसे किसी बात करनी है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है और कंपनी ने इसका परफॉर्मेंस भी देखा, ओके. तो कंपनी ने इसके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और प्रीमियम भी कंपनी खुद पे करती है. कल को अगर एस को कुछ होता है ना, तो वो जो पॉलिसी का पैसा आएगा ना, वो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, एम्प्लॉयर के ही पास जाएगा, नॉट टू द एम्प्लॉई स्टूडेंट्स. ये पॉलिसी ऐसी होती है, नाम से किसके निकाली गई है, एम्प्लॉई के. तो हम लोग ऐसा सोचते हैं भाई एम्प्लॉई को कुछ नुकसान हुआ तो एम्प्लॉई को पैसा मिलना चाहिए, बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ पॉलिसी स्टूडेंट्स, ओके. तो इसका कॉम्पनसेशन किसको मिलता है, एम्प्लॉयर. ये निकाली इसी वजह से जाती है कि इफ समथिंग हैपन्स, मिसहैप हुआ, बेचारे को कुछ हो गया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होने वाला है, सिंस ही इज अ की पर्सन इन द कंपनी, कंपनी के बिजनेस को नुकसान होने वाला है. तो वो अपना बिजनेस रिस्क है ना, उसको मिटिगेट कर रही है कंपनी. मिटिगेट मतलब रिस्क को रिड्यूस करना चाहती है, कम करना चाहती है. रिस्क रिड्यूस कैसे कर रही है कंपनी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया इसके नाम से. अब कल को इसको कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को. दैट इज व्हाट इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको कहते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. एक और है स्टूडेंट्स, कैसा लिखेंगे इसको, सिंपल वर्ड्स में मैं लिखना चाहता हूँ, एक्चुअली वो बहुत टेक्निकल सेंटेंस है. सम रिसीव्ड ऑन एनी कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट टाइम भी ना, आप इसको फिक्स एसेट समझ सकते हैं. बीन डिस्कार्ड मतलब स्क्रैप कर देना स्टूडेंट्स, ओके. ये उसकी बात हो रही है. सम रिसीव्ड ऑन कैपिटल एसेट, आप उसको फिक्स एसेट समझ सकते हैं. प्रोवाइडेड इट वॉज कवर्ड, इट वॉज कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD में होता है, ओके. 35AD में स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है कि आपको पैसा मिला, किस वजह से, आपका कैपिटल एसेट ना डेमोलिश हो गया, है ना, ऐसे लिखा ना, डेमोलिश या डिस्ट्रॉयड. डेमोलिश का मतलब टूट फूट गया, डिस्ट्रॉयड मतलब टोटल लॉस स्टूडेंट्स, कहानी खत्म हो गई उसकी. डिस्कार्डेड मतलब आपने उठा के फेंक दिया उसको स्टूडेंट्स, ओके. बट प्रोवाइडेड वो एसेट कहाँ पे कवर था स्टूडेंट, सेक्शन 35AD. 35AD पे स्टूडेंट्स हमको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ 35AD में होता क्या है. 35AD में ना कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड है, 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस. आपको शॉर्ट में जैसा एक दो बता देता हूँ,
कोल्ड चेन फैसिलिटी कुछ ऑपरेट करना, कोल्ड चेन समझते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट्स ऐसे आइटम्स स्टोर किए जाते हैं ना, जो सीजनल आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स. मैंगो का सीजन था तो मैंगो में मिलता है, बट मैंगो के अलावा भी क्यों मिलता है वो, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन वेयर हाउस, सॉरी इन कोल्ड स्टोरेज. ओके, अचार बनाने के लिए स्टोर करके रखा है. ओके, सो ऐसा सीजनल प्रोडक्ट्स नॉर्मली व्हाट दे डू, या पेरिशेबल कमोडिटीज दे आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज. तो इस किसी ने ऐसा ही कोल्ड स्टोरेज का पूरा एक चेन बनाया है, काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश किया है. सो दैट इज सेक्शन 35AD. या ऐसी वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बनाया उसने कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, सो दैट इज सेक्शन 35AD. ऐसा है. तो स्टूडेंट्स ऐसे 14 एक्टिविटीज़ हैं, दोज आर कवर अंडर सेक्शन 35AD. तो अगर आपका एसेट वो 14 एक्टिविटीज़ में से है और वो एसेट आपका डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्ड हो गया, स्क्रैप कर दिया आपने, तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आएगा. बट अगेन आई रिपीट, आपको इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, थ्योरी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एंड देर इज नो अदर रीजन फॉर दैट. ओके, इसके ऊपर आपको हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सिंपल होंगे, आसान होंगे, बट हमें पता होना चाहिए. हो सकता है एक सेंटेंस दे दे, सम रिसीव्ड ऑन बीन कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड कवर्ड अंडर 35AD, तो आपको इतना पता तो होना चाहिए ना कि दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, लास्ट एक लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. स्पेक्युलेटिव मतलब स्टूडेंट्स स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट खरीदा आपने या कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स वगैरह आप खरीदते हैं ना स्टूडेंट्स, और उसको होल्ड करके रखा. होल्ड करने की वजह क्या है कि आपको उम्मीद है कि इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, दैट इज व्हाट इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. ओके, होल्ड करके रख, स्पेक्युलेट करना किसी चीज में स्टूडेंट्स, है ना. तो बहुत से लोगों का तो ये मेजर बिजनेस ही होता है स्टूडेंट्स. ओके, से वॉट दे डू, दे परचेज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई वो स्टूडेंट्स, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आप ऐसा समझो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसने खरीद के रखे हैं. और उसका इंटेंशन क्या है, वो ऐसा सोचता है कि कल परसों एक हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ेगा ना तो मैं बेच के पैसा कमा लूंगा. सो दैट इज वॉट इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन. अगेन इस पर हमको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको सिर्फ, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है. अच्छा, ए हुआ ही नहीं, ए ऐसा कैसा हो जाता है. अच्छा, ए मैंने स्लाइड 5 पे लिख दिया ना. अच्छा, गलत हो गया. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको सिर्फ ये पॉइंट नंबर 1 पे आएगा. तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर आपने इतना फिर देर क्यों लगाई स्टूडेंट्स, बट वी मस्ट नो ना कि क्या क्या आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में. आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका पूछेगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नंबर बी ऑनवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या आता है, इसके लिए मैंने सब कुछ लिख दिया. ओके, सो वंस अगेन क्विकली रिपीट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएंगे, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, सेक्शन 40, ओके, एंड सेक्शन 43, जो 3-4 मेजर टॉपिक हैं चैप्टर में जो प्रैक्टिकल हमको काम आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे. सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग, ओनली क्या क्या इनकम यहाँ पे कवर होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ए से लेके एम तक मैंने लिख दिया क्या क्या इनकम. पहला तो प्रॉफिट गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस मतलब एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर. ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग, कॉमर्स का मतलब भी बाइंग सेलिंग होता है बट ऑन ए लार्ज स्केल, एंड इट्स अ वाइडर टर्म यू कैन से, इट कवर्स अदर एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग. ओके, जैसा प्रिंसिपल एजेंट, मैंने किसी को गुड्स भेजा, वो मेरा एजेंट है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर, वो कॉमर्स में आ गया ना स्टूडेंट्स. ओके, सो कॉमर्स इज अ वाइड टर्म एज कम्पेयर टू ट्रेड. मैन्युफैक्चर, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल यूज करते हो और कुछ प्रोसेस के बाद आप फिनिश प्रोडक्ट लेते हो, सो दैट इज इनपुट आउटपुट. एडवेंचर मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है आपका वो हमेशा का काम नहीं है बट आपका इंटेंशन तो वही है ना, आपका हमेशा का काम नहीं है. जमीन खरीदी थी क्योंकि आपको किसी ने बता दिया था कि गवर्नमेंट जो है ना ये जमीन एक्वायर करेगी ना, आज बहुत सस्ती मिल रही है, गवर्नमेंट ये प्राइस में एक्वायर करने वाली है, आपको किसी ने अंदर की बात बता दिया, टू बी फेयर ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इन दैट केस दैट इज एडवेंचर स्टूडेंट्स. तो इट कैन बी ऑन टेम्पररी बेसिस ना, एडवेंचर तो टेम्पररी होता है बट स्टिल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉम्पनसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 28(2). मैंने बताया था ना, जैसा यहाँ कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉई को निकाल दिया गया, या मैं पेप्सी का, मेरे पास फ्रेंचाइजी था, मैं उसका डीलर था, होलसेलर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, फॉर एनी रीजन मेरा और पेप्सी के बीच में कुछ खटपट हो गई, उन्होंने कहा भाई आप छोड़ो हम दूसरा डीलर लेके आएंगे, सो जिस दिन मैं छोड़ रहा था उन्होंने मुझे कॉम्पनसेशन दिया. ओके, तो दैट कॉम्पनसेशन इज कवर्ड हियर. थर्ड, इनकम डिराइव फ्रॉम एनी ट्रेड प्रोफेशनल, लॉयर्स का एसोसिएशन होता है, सीए का एसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स का, सॉरी
लॉयर्स का, डॉक्टर्स का एसोसिएशन होते हैं, ऐसी हमारी अपने लोकल एरिया में स्टूडेंट्स ना डिफरेंट शॉप्स के एसोसिएशन होते हैं। आपको गैराज का एक एसोसिएशन मिलेगा, टैक्सी वालों के एसोसिएशन होते हैं, ऑटो रिक्शा की एसोसिएशन, यूनियंस होती हैं स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो वो एसोसिएशन यूनियंस ना अपने मेंबर्स से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं टू प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स, सो दैट इज कवर्ड हियर। बेनिफिट परक्विजिट मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने उसको सर्विस तो प्रोवाइड किया, बदले में मुझे वो फीस देगा, बट कैश में नहीं, काइंड में दे रहा है वो, तो नॉट नेसेसरली मनी में हो हुआ बेनिफिट, हो सकता है इन काइंड हो, तो नो नीड टू वरी, तब भी वो टैक्सेबल होगा। 20 लाख की आपने सर्विस प्रोवाइड करी, वो आपको बदले में कार दे रहा है 25 लाख की, तो पूरा 25 लाख इज टैक्सेबल। प्रॉफिट, हाँ ये तीन EFG, दिस आर ऑल शॉर्ट में ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्रॉबैक, अच्छा एक तरह का लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस मेरे पास था, अब मुझे जरूरत नहीं, मैंने किसी को बेच दिया है लाइसेंस, वो लाइसेंस बेचा या ट्रांसफर किया, उसको यूज करने के लिए दिया, उससे मैंने कुछ पैसे ले लिए, सो दैट मनी इज कवर्ड हियर। एच में इन सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर को मिला, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉम्पनसेशन फॉर नॉन कम्पीट, मैंने यहाँ बताया था, दो दो आदमी एक्स वाई दोनों एक ही बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग का, स्टील का, पेट्रोकेमिकल्स का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, स्टूडेंट नाउ फाइनली डिसाइडेड नहीं भाई अलग अलग बिजनेस करते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो एक्स ने स्टील का ले लिया, वाई ने पेट्रोलियम, आपस में दोनों ने एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया कि 5 साल तक एक्स पेट्रोलियम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, वाई 5 साल तक स्टील का बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे को कुछ कॉम्पनसेशन भी देंगे स्टूडेंट, दैट कॉम्पनसेशन इज कवर्ड हियर। फेयर मार्केट दिस आई सेड के प्लीज स्टूडेंट्स इसको अभी जाने दो, हाँ ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, बट ये है क्या टेक्निकली, विल लर्न व्हेन वी स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, वहां पे देखेंगे हम लोग। सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, की मैन का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स, की मैन मीन्स सम इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी लेती है एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय को कुछ नुकसान हुआ तो कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा, कंपनी को, नॉट टू द एम्प्लॉय, दिस इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये बहुत टैलेंटेड है, इसके पास बहुत बिजनेस आइडिया है, ओके हम जानते हैं कि ये कंपनी को इससे बहुत फायदा पहुंचने वाला है फ्यूचर में, तो हम इसके नाम से एक पॉलिसी रखते हैं कि इसको कल को कुछ हो गया तो वट एवर कॉम्पनसेशन होगा वो एम्प्लॉयर को मिलेगा। सम रिसीव्ड ऑन कैपिटल एसेट, मैंने कहा ना सेक्शन 35AD में कुछ 13-14 एक्टिविटीज़ हैं, वो 13-14 एक्टिविटीज़ का एसेट अगर आप बेचते हो, डेमोलिश होता, उसका जो भी पैसा आएगा आपने स्क्रैप किया, वो यहाँ पे कवर होता है स्टूडेंट्स। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताया, आप कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, आपका इंटेंशन ही ये है कल पैसा प्राइस बढ़ा तो कल ही बेच दूंगा मैं, परसों है ना, ठीक है परसों पैसा बढ़ गया तो परसों ही बेच दूंगा, आई वोंट वेट, मेरा तो नियत ही ऐसी है कि प्राइस बढ़ा के बेचो, अभी खरीदा मैंने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में प्राइस बढ़ गया तो मैं आफ्टरनून में ही बेच दूंगा स्टूडेंट्स, सो दैट इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, आप होल्ड करके रखने का मतलब ही यही है आपका, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज कवर्ड हियर स्टूडेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन इसमें नहीं है, अलग से कुछ पॉइंट्स हैं जो लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ सकता है स्टूडेंट्स, ओके वो हम डिस्कस करेंगे। देन आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 35D वो प्रीमरी एक्सपेंसेस का कुछ है, सेक्शन 40 उसमें दो तीन प्रोविजन हमको पढ़ना, और 43 ये चार मेन सेक्शन खाली अब हमको पढ़ने स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये 28 आप ऐसा कह सकते हो आपके लिए थियरी है समझने के लिए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आता क्या है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जो हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए काम आएगा स्टूडेंट्स वो, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ए, देन ओवर हियर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ओके दैट्स ऑल। सपोज इफ ए पर्सन इज अ रियल एस्टेट का बिजनेस में है वो, या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में है वो, जैसे मैं बिल्डर है वो स्टूडेंट्स, ओके उसका काम ही क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी बनाना बेचना, ओके दैट इज हिज मेजर बिजनेस स्टूडेंट्स, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज उसने कोई प्रॉपर्टी बना ली, एक बिल्डिंग बना ली पूरी उसने, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग में 12 फ्लैट्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल उसने 5 फ्लैट तो बेच लिए, 5 फ्लैट बिक गए सोल्ड, अभी जो 7 बचे ना वो 7 को आप क्या ट्रीट करोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, ओके स्टूडेंट्स ऐसा कुछ आएगा ना फिर स्टूडेंट्स, ओके। सो प्लीज नोट इवन इफ यू आर इन अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बिजनेस, आपके लिए फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड है स्टूडेंट्स, मेरे आपके लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है फ्लैट,
फॉर अस फ्लैट इज अ फिक्स्ड एसेट, बट जो फ्लैट का बिजनेस करता है बनाना बेचना खरीदना, सो फॉर हिम इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, इज स्टॉक इन ट्रेड. तो स्टॉक इन ट्रेड अगर बेचा खरीदा जाता है तो इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नो डाउट अबाउट दैट. तो अगर वो फ्लैट बेचता खरीदता है तो इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन स्टूडेंट्स. बट जो सात फ्लैट पे है ना स्टूडेंट्स, उसने लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया, सो नाउ ही कैन से कि क्योंकि ये फ्लैट मैंने बनाया है आगे बेचना भी है तो रेंट आई एम रिसीविंग ऑन दीज सेवन फ्लैट्स विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. नो, अभी भी वो रेंट जो होगा ना स्टूडेंट्स, रेंट फ्रॉम सच फ्लैट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मैंने शॉर्ट में एचपी लिख दिया स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, सो इफ आई एम डीलर, मैं रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस या कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस स्टूडेंट्स, फ्लैट बनाता हूँ बेचता हूँ, सो फॉर मी फ्लैट इज अ स्टॉक इन ट्रेड. तो उसको बनाना बेचना इज अ बिजनेस एक्टिविटी, नो डाउट अबाउट दैट. बट अगर ऐसा कोई फ्लैट मैंने बनाया, अभी सपोज बिक नहीं रहा है बिकॉज ऑफ बैड इकोनॉमिक कंडीशन, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, सो आई कांट आर्ग्यू दैट कि रेंट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस. नो, रेंट है सो इट विल गो टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये एक हो गया स्टूडेंट्स. सेम वे एक और होता है स्टूडेंट्स, जैसा स्टूडेंट्स मैं डीलर हूँ शेयर्स में, सेम वे आई एम डीलर ऑफ शेयर्स. मतलब मेरा काम क्या है, शेयर्स बेचना खरीदना. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, नाउ हम अपनी बात करते हैं स्टूडेंट. इफ एज ऑन टूडे इफ वी परचेज एनी शेयर्स या कोई डिबेंचर्स खरीदा तो हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट होगा, बट डीलर मैंने क्लियरली टर्म लिखा ना, डीलर ऑफ शेयर्स उसके लिए वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन स्टॉक इन ट्रेड होगा उसके लिए, तो वो स्टॉक इन ट्रेड होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि उसका बिजनेस ही वो है शेयर्स खरीदना शेयर्स बेचना, डिबेंचर्स खरीदना डिबेंचर्स बेचना. ओके, वो उसका बिजनेस है स्टूडेंट्स. सो अगर डीलर है ना स्टूडेंट्स, डीलर है तो उसके लिए शेयर्स क्या होंगे, स्टॉक इन ट्रेड. तो शेयर्स बेचना खरीदना ऑब्वियसली इट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन फॉर दिस पर्सन, प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. बट स्टूडेंट्स सपोज अगर ये शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है उसको, जो शेयर्स उसने खरीद के रखे हैं बेचने के लिए, डिविडेंड ऑन सच शेयर्स विल बी इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेस. कभी भी ये बिजनेस इनकम में नहीं आएगा. ठीक है, शेयर्स बेचो खरीदो, ठीक है, यू आर अ डीलर इन शेयर, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नो डाउट अबाउट दैट. बट इफ यू अर्न डिविडेंड ऑन सच शेयर्स, इट विल बी ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यू कांट आर्ग्यू दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. ये एक हो गया. ऐसी थर्ड स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, कैसा एक होता है, ये कैपिटल गेन्स में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनहेंस्ड कॉम्पनसेशन. आई विल एक्सप्लेन वॉट इट इज स्टूडेंट्स. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कोई प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है, वहां पे कोई रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आ गया है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा प्लीज हमें रोड अभी है जस्ट फॉर द सेफ, अभी 50 फुट का रोड है, हमको 90 फीट करना है इसको या 120 फीट करना है. सो वो रोड वाइडनिंग में क्या हो रहा है, मेरा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया. हु एक्वायर्ड? गवर्नमेंट एक्वायर्ड, और गवर्नमेंट ने मुझे कॉम्पनसेशन भी पे कर दिया. ओके स्टूडेंट, बट मुझे कॉम्पनसेशन वो कम लगता है तो मैंने केस कर दिया कोर्ट में. सो कोर्ट ने कहा यस, सपोज जस्ट कॉम्पनसेशन वॉज 50 लाख, आई सेड नहीं ये 50 लाख कम है, मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 80 लाख का है. तो कोर्ट केस चला एंड स्टूडेंट्स आई गॉट 80 लाख, मतलब सॉरी बैलेंस 30 लाख मिल गया. पहले तो 50 ले लिया था, या पहले 50 नहीं भी लिया था, आई पुट अ कोर्ट केस. ओके स्टूडेंट्स, फाइल कर दिया, अभी वो मेरे फेवर में डिसीजन आया, तो इफ आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड 50 लाख तो मुझे एक्स्ट्रा 30 मिलेगा, या मैंने एक रुपया नहीं लिया था तो अभी 80 लाख मिलेगा. सो दिस इज अनहेंस्ड कॉम्पनसेशन. अगेन सो में, सो माई प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट फॉर एनी सम प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, तो उसका कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट मुझे दे रही है मुझे कम लगता है. सो आई फाइल्ड अ कोर्ट केस, तो मुझे वो कोर्ट केस अभी डिसीजन मेरे फेवर में आ गया. सो इफ आई ऑलरेडी कलेक्टेड 50 लाख तो गवर्नमेंट मुझे 30 लाख और दे देगी, या मैंने एक रुपया नहीं लिया था तो टुडे आई विल गेट 80 लाख रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कहते हैं अनहेंस कॉम्पनसेशन, और टुगेदर विद इंटरेस्ट भी मिल सकता है ये स्टूडेंट्स. मैंने ऐसा कोर्ट केस किया, मैं ऐसा लिखा था, मेरा जो भी मैंने केस किया था ओवर देयर, आई हैव पॉइंटेड आउट आई नीड इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दिस अनहेंस कॉम्पनसेशन. तो ठीक है, जज ने जब वो जजमेंट दिया, वट एवर डिक्री हुआ स्टूडेंट्स, जो भी फैसला आया उसमें मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा.
सो दैट इंटरेस्ट जो मिलेगा ना स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ठीक है ये कैपिटल गेन्स में जाएगा एनहेंस कॉम्पनसेशन, बट ये इंटरेस्ट हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा, कभी इसको बिजनेस प्रोफेशन में मत लिख लेना स्टूडेंट्स। आगे सोर में स्टूडेंट, ओके सेम वे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं लास्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने सुना होगा अगर आपने पढ़ा है वो चैप्टर, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एक देयर इज वन पर्सन उसका काम ही क्या है सुबह सुबह लॉटरी खरीदना स्टूडेंट्स, और वो कोई काम नहीं करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ना कोई जॉब करता है, अब वो कहाँ से उसके पास पैसे आते हैं वी आर नॉट कंसर्न, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स ठीक है, उसकी आदत है रोज सुबह उठना पहला काम करना 100 रुपये की लॉटरी टिकट ले लेना, ये उसका काम है स्टूडेंट्स ओके। तो स्टूडेंट्स 100 रुपये की लॉटरी टिकट लेगा ना वो स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कभी ना कभी वो लॉटरी जीते, ही माइट विन दैट, सो जब भी विनिंग होगा ना स्टूडेंट्स का तो ही कांट से दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये क्या होगा उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही माना जाता है, ऑल्दो इसका काम ही ये है स्टूडेंट्स लॉटरी टिकट लेना, आई एम नॉट सेइंग लॉटरी टिकट लेना बेचना, व्हाट आई एम सेइंग कि बेचारा कोई जॉब नहीं करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, अब इसके पास जहाँ से भी पैसे आते हो सुबह रोज उठना और लॉटरी स्टॉल पे जाके 100 रुपीज का लॉटरी टिकट लेना एंड वेट करना, भाई हो सकता है मेरी 5 लाख की लॉटरी लग जाए, 10 लाख की लॉटरी लग जाए, वॉट एवर दैट अमाउंट में, वन फाइन डे हो गया उसका लॉटरी लग गया स्टूडेंट्स 5 लाख 10 लाख का, सो ही कांट से कि मेरा तो काम ही ये है मैं और कोई काम ही नहीं करता था, सो वॉट एवर अमाउंट आई एम गेटिंग नाउ राइट नाउ एज अ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यू कैन आर्ग्यू दैट इट विल बी स्ट्रिक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ऐसे ही ध्यान रखने का सुन, नॉट नेसेसरी अगर आपका वो काम है ना तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही होगा, जैसे हमने ये 4 एग्जाम्पल में देख लिया, रियल एस्टेट फ्लैट प्रॉपर्टी बनाना बेचना, ओके फ्लैट बना के बेचना या आपका बिजनेस है नो डाउट, तो बना के बेचने में इट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बट इफ दैट सेम फ्लैट बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू आर लेटिंग इट आउट, आपने रेंट पे दे दिया तो स्टूडेंट्स वो हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर जो रेंट आएगा, हाँ फ्लैट जब बेचोगे इट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन क्योंकि वो आपका बिजनेस है, बट फ्लैट अगर आपने रेंट पे दिया बनाया फ्लैट मगर अभी बिक नहीं रहा है स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ बैड इकोनॉमिक कंडीशन, आपको कोई कस्टमर क्लाइंट उसका मिल नहीं रहा है ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल डू आपने सोचा खाली रखने से अच्छा है बेटर गिव इट ऑन रेंट, सो इट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, आप ऐसा आर्ग्यू मत करना ये तो मेरा बिजनेस है तो इसके लिए प्लीज मैं तो इसको बिजनेस प्रोफेशन समझूंगा, नो स्टूडेंट्स। एक ये एग्जाम्पल डीलर ऑफ शेयर्स, मतलब अगेन आपका ये बिजनेस ही है, आप शेयर्स डिबेंचर्स बेचते खरीदते हो, तो बेचने खरीदने पे जो फायदा नुकसान होगा दैट इज इनकम फ्रॉम योर गेन्स प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ओके, बट स्टूडेंट्स अगर वो शेयर्स डिबेंचर्स पे कोई डिविडेंड मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, यू कांट आर्ग्यू कि क्योंकि ये शेयर्स मैंने खरीदा था बेचने के लिए सो डिविडेंड ऑन सच शेयर शुड बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नो वो आर्ग्यूमेंट गलत होगा, इट विल बी स्टिल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो भले आपने शेयर्स डिबेंचर्स का बिजनेस करते हो उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा तो रिकॉर्डेड अंडर अदर सोर्सेज, फिर ये मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन एनहेंस कॉम्पनसेशन, मेरा कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया फॉर एनी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने मुझे गवर्नमेंट दे रही है कॉम्पनसेशन बट आई डोंट एग्री फॉर दैट, मुझे लगता है बहुत कम है, कोर्ट केस किया तो मुझे कॉम्पनसेशन बढ़ के मिला अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ना सो डोंट आर्ग्यू इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इट विल गो टू अदर सोर्सेज, वो अदर सोर्सेज में ही जाएगा। लास्ट फाइनली मेरा कोई काम ही नहीं है स्टूडेंट्स, मैं ना जॉब करता हूँ बिजनेस का कुछ नहीं, खाली सुबह उठता हूँ 100 रुपये की लॉटरी टिकट लेता हूँ बस ये उम्मीद पे, आई होप कि कभी ना कभी तो 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ की मेरी लॉटरी लग जाएगी ओके, बस ये होप पे मैं ये काम करता था ओके, वन फाइन मॉर्निंग हो गया ऐसा मेरा लॉटरी का नंबर मुझे दिख गया न्यूज़पेपर में, आई एम हैप्पी एंड आई एम सेइंग कि ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है या प्रोफेशन है बिकॉज मैं तो कोई काम करता ही नहीं था, सुबह सुबह मेरा लॉटरी खरीदने का काम था, आई कांट आर्ग्यू दैट इट विल बी स्टिल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओके स्टूडेंट्स। सो ये हो गया, तो पहले हमने कुछ सेक्शन 28 में कुछ इनकम्स लिखी हैं विच आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, या हमने डिस्कशन क्या किया है स्टूडेंट्स कि आपको ऐसा लगता है कि दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बट एक्चुअली इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या मैंने यहाँ बताया जैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओके, इट सीम्स सो दैट इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बट एक्चुअली ये बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा, या तो ये हाउस प्रॉपर्टी जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 एग्जाम्पल में मैंने इट इज कवर्ड अंडर 2, 3 and 4 इट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओके, ये ध्यान रखना, ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ बेटर, दिस वॉज नंबर 1, ये 2 था, ये 3 था एंड लास्ट यहाँ पे 4 ठीक है स्टूडेंट।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेजर पार्ट है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 32 में आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन देखो, अभी इनकम टैक्स में होता क्या है, कुछ कंडीशन है स्टूडेंट्स, मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स में वो कंडीशंस लिख देता हूं। कंडीशन नंबर वन, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। सिंपल सिंपल कंडीशन है स्टूडेंट्स। नंबर टू, एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन। आपके बिजनेस में या प्रोफेशन में आपने उसको यूज किया, सिंपल कंडीशन एकदम। थर्ड, एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ, 1920 में आपने एसेट यूज किया। नंबर फोर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, शॉर्ट में डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। ये आपके लिए नया टर्म है स्टूडेंट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट। आई विल एक्सप्लेन ये ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है। एंड स्टूडेंट्स, हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करना, WDV बेसिस। देर आर सर्टन केसेस, पावर जनरेशन प्लांट जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जिससे जनरेट की जाती है स्टूडेंट्स, वो प्लांट के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड मिलता है। नहीं तो जनरली इनकम टैक्स में एक ही मेथड एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, WDV, जिसको आप क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके, अकाउंट्स में। तो ये बेसिक सिंपल सिंपल से पांच कंडीशन है। पहला तीन तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, एसेट मस्ट बी ओन बाई द एसेसी, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आई मस्ट ओन दैट एसेट। अगर मैं वो एसेट का ओनर हूँ देन ओनली आई कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। तो सिंपल कंडीशन है स्टूडेंट, एसेट मस्ट बी ओन फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन। स्टूडेंट मस्ट बी यूज, स्टूडेंट मैंने ओन सॉरी यूज लिखना चाहिए, आई एम सॉरी, यहाँ पे यूज टर्म आएगा, यहाँ भी यूज टर्म आएगा। एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर, ओके, वो एसेट मैंने क्या किया जिस पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहता हूँ, क्लेम करना चाहता हूँ, मैंने अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में उसको यूज़ किया। थर्ड कंडीशन सिंपल है स्टूडेंट, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। थर्ड, एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर 1920 है। अच्छा, यूज इंपॉर्टेंट टर्म है, आई विल राइट डाउन लेटर। पहले तो कंडीशन आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में, मैंने वो एसेट यूज़ किया ड्यूरिंग 1920। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, ये हमारे लिए नया टर्म है। और WDV मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नॉर्मली हम लोग जनरली फॉलो करेंगे, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन में लिखा होगा कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करो, देन वील फॉलो स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज हमेशा WDV ही फॉलो करना स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अभी ये यूज मतलब स्टूडेंट्स क्या, देखो यूज का मतलब यहाँ पे जो इनकम टैक्स में डिफाइन किया है ना स्टूडेंट्स, रेडी टू यूज, मतलब एसेट अगर रेडी टू यूज की कंडीशन में भी है ना तो यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। यूज ही होना कंपलसरी नहीं है उसका, मतलब क्या स्टूडेंट, नॉर्मली प्लांट मशीनरी के केस में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आपने ये अकाउंट्स में सुना भी होगा, आपने प्लांट मशीनरी खरीदी स्टूडेंट्स, ओके, तो उसको आपको इंस्टॉल कराना होता है ना स्टूडेंट्स, फिक्स प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, उस पर इंस्टॉलेशन होगा, ओके, टेक्नीशियन आता है, वो बताता है ऐसा करना है ऐसा करना है स्टूडेंट्स, ओके, इंजीनियर टेक्नीशियन वॉट एवर यू कॉल हिम, ओके, तो आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है। इंस्टॉल्ड करा लिया आपने, ठीक है, एक बार इंस्टॉल करा लिया सो दैट मीन्स इट इज रेडी टू यूज कंडीशन में। अगेन सर में प्लांट मशीनरी जब तक इंस्टॉल नहीं होता स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इन रेडी टू यूज कंडीशन। तो अगर रेडी टू यूज कंडीशन में भी है ना स्टूडेंट्स, भले आपने अभी तक यूज नहीं किया, वो मशीन को स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट, दैट इज अ सिंपल मीनिंग, ओके, बट रेडी टू यूज कंडीशन में है कि आपको ऑन करना है एंड स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ रेडी टू यूज, कि आपको जस्ट स्विच ऑन करना है एंड यू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन। मतलब मशीन आपने प्रॉपरली इंस्टॉल भी करा लिया ना स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन हो गया मशीनरी का, सो इट इज नोन एज रेडी टू यूज। तो यहाँ पे यूज आप कह सकते हैं इट इज रेडी टू यूज। अगर रेडी टू यूज भी है, एक्चुअली यूज नहीं हुआ, फिर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडी टू यूज ध्यान रखना स्टूडेंट, ओके। सो मशीन अगर रेडी टू यूज है, एनी एसेट, एनी नॉट ओनली मशीन, एनी एसेट इफ इट इज इन रेडी टू यूज कंडीशन स्टूडेंट्स, यू कैन चार्ज, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक ऑफ एसेट है ना, ये आपके लिए एकदम नया है, आपने कभी अकाउंट्स में भी सुना नहीं है,
अभी इनकम टैक्स में ना स्टूडेंट 10 ब्लॉक होते हैं, हमको कुछ याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, टू बी फेयर कुछ आपको 10 ब्लॉक याद नहीं रखने हैं, खाली मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि वो ब्लॉक, देर आर हाउ मेनी ब्लॉक्स स्टूडेंट्स, 10 ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे मैंने 9, 10, ओके, सो ऐसे 10 ब्लॉक हैं। अभी ये ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वो समझना है एक्चुअली, हमको 10 ब्लॉक नहीं याद रखने, हमको मीनिंग समझना है कि ब्लॉक का मतलब क्या, ब्लॉक ऑफ एसेट जो उन्होंने कहा है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ओके। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब स्टूडेंट्स, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ कहीं भी टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं बट मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट, रेट मतलब परसेंटेज, हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन सा आप कह सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी जैसे 10 ब्लॉक है ना इनकम टैक्स में स्टूडेंट्स, आपके रेफर खाली आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ ये ब्लॉक याद नहीं रखना है, प्लीज अगेन आई रिपीट, ये ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 आर रिलेटेड टू बिल्डिंग, इसमें सब बिल्डिंग्स आती हैं, 4 इज रिलेटेड टू फर्नीचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड 5 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स टिल 10 ऑल आर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, 5 से लेके 10 तक सब ना इसके अंदर प्लांट मशीनरी आती है। अब अकाउंट्स में ना 5 से लेके 9 तक, एंड 10 इज इंटेंजिबल एसेट, आई एम सॉरी 10 में इंटेंजिबल एसेट आता है, ओके। अब अकाउंट्स में तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं ना स्टूडेंट्स प्लांट मशीनरी, बट इनकम टैक्स में ना प्लांट मशीनरी के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप स्टूडेंट्स, ऐसा समझो आप उसको, जैसा हमें ग्रुप जैसा बिल्डिंग का है स्टूडेंट्स, अभी बिल्डिंग का केस ना, ये ब्लॉक नंबर 1 में मालूम कौन सी बिल्डिंग आती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और ब्लॉक नंबर 2 में क्या आता है, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, ये सब आएगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ये सब यहाँ पे कवर होता है। आपके स्टूडेंट्स आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट। फिर ये जो ना खास बाद में स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 ऑनवर्ड्स, ये कैसा कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, ये उसके लिए ये बिल्डिंग है, तो ऐसा डिफरेंट ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स, फर्नीचर का एक ही ब्लॉक है, प्लांट मशीनरी के देखो यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स क्या होता है, कहीं कहीं केस पे प्लांट एंड मशीनरी जो है मोटर कार जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ओके, बसेस लॉरीज नंबर 6 में आ जाएगा, आपके नंबर 7 में एरोप्लेन्स, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे मोटर कार है आपके पास बहुत सारी, तो मोटर कार यहाँ पे आएंगे, ये ब्लॉक में आएंगे। नंबर 6 में आप लिखोगे स्टूडेंट्स जैसा कुछ शिप्स वगैरह नंबर 6 में आ जाता है, नंबर 7 में आपके रेफरेंस के लिए जैसे लॉरीज या बसेस हैं आपके पास, ट्रक्स वगैरह हैं तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह आ जाएगा, ओके। आपको अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मोटर कार लॉरीज वगैरह आती हैं, बट यू आर इन दिस बिजनेस, ये मोटर कार लॉरी रन करने का हायर पे देने का आपका बिजनेस है, तो वो नंबर 9 में, और नंबर 10 में इंटेंजिबल एसेट। माय एडवाइस, नो नीड टू राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ ब्लॉक का मीनिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्लॉक लिखा था, तो आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ब्लॉक, तो ब्लॉक को कैसा समझने का, ग्रुप ऑफ एसेट ये आप लिख लेना, ये सेंटेंस, हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, देखो अब मैं बताता हूँ ये ब्लॉक का रियल मीनिंग अभी क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया ब्लॉक में आता क्या क्या है। ये जो बिल्डिंग होती है ना नंबर 1, इसमें 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इस पे 10% चार्ज होता है, इस पे 40% चार्ज होता है, इस पे 10% चार्ज होता है, फर्नीचर पे, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% चार्ज होता है, ये वाले पे 20%। आपको ये डेप्रिसिएशन रेट भी याद नहीं रखने हैं स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में देगा ये सब, आपको क्वेश्चन में देगा, आप बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना, इस पे 45% होता है एंड लास्ट वाले पे 25% होता है। सो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, सपोज स्टूडेंट जस्ट एन एग्जांपल, मेरे पास ना 5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, आई एम ओनर ऑफ 5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मेरा किसी चीज का बिजनेस है उसमें बिल्डिंग कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का है, बट मेरे कंपनी के ऑफिसेस, मैंने वर्कर्स को कुछ फ्लैट्स बिल्डिंग में रहने के लिए क्वार्टर्स दिए हैं, बट आई एम द ओनर फॉर दैट बिल्डिंग, और मेरी 4-5 फैक्ट्री की बिल्डिंग है स्टूडेंट्स,
फाइव फैक्ट्रीज हैं अलग अलग जगह, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, ऐसा मेरा फाइव फैक्ट्री बिल्डिंग्स है। सो नॉर्मली अकाउंट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स एक मिनट, स्टूडेंट्स हैंग हो गया लगता। सो फाइव पांच फैक्ट्री बिल्डिंग नॉर्मली अगर हम अकाउंटिंग स्टूडेंट में क्या करेंगे, एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट ये सब फाइव बिल्डिंग और फाइव फैक्ट्री बिल्डिंग और फाइव रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ना हम लोग इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बिल्डिंग नंबर वन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हाँ उसका कॉस्ट कितना है, 10 लाख है। अच्छा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ 10%, सो वॉट इज अन बिल्डिंग नंबर टू बिल्डिंग नंबर थ्री, सेम वे फैक्ट्री बिल्डिंग। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, वॉट दे से ये कितनी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पाँच है ना, पांचों की पांच बिल्डिंग ये वाले ब्लॉक में आती है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 5%, तो पांचों की पांच बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट कितना होता है, या यू आर फॉलोइंग WDV मेथड, सो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, सो दैट रिटर्न डाउन वैल्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5%। अच्छा नेक्स्ट आपके पास और पांच बिल्डिंग है, कौन सी फैक्ट्री बिल्डिंग, वो तो ये ब्लॉक में आती है। ओके तो पांचों फैक्ट्री बिल्डिंग का WDV कितना है, मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज व्हिच इज 10%। तो आप इंडिविजुअल एसेट पे चार्ज नहीं करते, आप पहले क्या देखते हो कि वो एसेट कौन से ब्लॉक में जाता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो यहाँ जाने दो, फैक्ट्री बिल्डिंग है तो ये ब्लॉक में जाने दो। सपोज आपके पास कोई मोटर कार है तो मोटर कार आप ये ब्लॉक में जाने देंगे उसको, कोई शिप के आप मालिक हो तो शिप यहाँ पे आएगा। फिर अकॉर्डिंगली बेस ऑन दैट परसेंटेज वो ब्लॉक में आपको परसेंटेज भी दिए होते हैं, वो परसेंटेज अप्लाई करने का एंड फाइंड द डेप्रिसिएशन। आगे सर में स्टूडेंट्स तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना कलेक्टिव वैल्यू। नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, आपको ये ब्लॉक्स नहीं याद रखने ना, आपको डेप्रिसिएशन रेट याद रखना, ये क्वेश्चन में हमको देगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि व्हाट इज ब्लॉक। ओके बिकॉज यहाँ पे हमने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ब्लॉक ऑफ एसेट किसको कहते हैं। सो ब्लॉक का सिंपल मीनिंग ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसी जितनी बिल्डिंग है जिसका रेट 5% है ना सबको यहाँ लिखो, ऐसी जितनी बिल्डिंग है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% उसको सेकेंड ब्लॉक में लिखो, ऐसी जितनी बिल्डिंग है जिसका 40% डेप्रिसिएशन उसको थर्ड ब्लॉक में लिखो, दैट इज द सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स। जो जो एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा वो अकॉर्डिंगली वो ब्लॉक में जाएगा। प्लांट मशीनरी, ऐसी जितनी भी आपके पास प्लांट मशीनरी है जिसका डेप्रिसिएशन रेट 15% है रिकॉर्डेड अंडर ब्लॉक नंबर 5 एंड देन यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। इंडिविजुअल प्लांट मशीनरी पे नहीं, जो कलेक्टिव वैल्यू होगा प्लांट एंड मशीनरी का उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है ये तो क्लियर। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने WDV बेसिस लिखा, ये तो आपने अकाउंट्स में सीखा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो ये कुछ नया नहीं है। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेट कैसे करने का, क्या फॉर्मेट फॉलो करने का, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट। वो लोग कहते हैं स्टार्ट करने का डेप्रिशिएटेड वैल्यू, अकाउंट्स में सो कुछ नहीं, हम लोग ओपनिंग WDV कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन 1st April 2019, जो भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा वो लिखो, प्लस सिंपल वर्ड्स में अगर लिखना है तो स्टूडेंट्स ऐड कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको लिखना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज या एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब ड्यूरिंग 1920, एक्वायर्ड ड्यूरिंग 2019-20, अगर एसेट परचेज किया है तो ऐड कर लो। अकाउंट्स में भी यही फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स एक थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, सम रिसीव्ड, सम मतलब मनी स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, मनी रिसीव्ड या रिसीवेबल, मनी रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर एसेट सोल्ड, या फिर सोल्ड नहीं हुआ तो डिस्कार्ड मतलब स्क्रैप कर दिया आपने, कुछ यूज का नहीं आपने फेंक दिया उसको, स्क्रैप में बेच दिया, या डिमोलिश टूट फूट गया, और आप कहते हैं डिस्ट्रॉयड, अगेन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर की बजाय मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग 2019-20, तो ये वैल्यू माइनस करना जो भी वैल्यू होगा क्वेश्चन में दिया होगा, तो फाइनल आंसर इज नोन एज स्टूडेंट्स क्लोजिंग WDV, जिसको अकाउंट्स हम लोग कहते हैं, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन
WDV लिखे तो अच्छा है ना स्टूडेंट्स, एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट जल्दी समझ में आता है वो। WDV एज ऑन 31st March 2020, देन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट जो भी क्वेश्चन में देगा 20% 25% जो भी होगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेट विच वी हैव टू फॉलो। ये तो सिंपल है, ओपनिंग WDV लिखो, कोई एसेट आपने खरीदा है, अकाउंट्स में भी यही करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं लिखा, एसेट आपने कुछ एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर वो लिखो। अगर कोई एसेट आपने बेच दिया या स्क्रैप किया या आपका एसेट डिमोलिश हो गया, आग लगी एसेट जल गया स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइल एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर दैट, तो जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा ना वो भी माइनस किया जाता है यहाँ पे। ओके दैट्स व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड। इसके लिए यहाँ पे ऐसा लिखा है सम रिसीव्ड या रिसीवेबल, क्लेम मिलने वाला है, आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया, वो जो क्लेम मिलने वाला है वो माइनस करते हैं। सो WDV एज ऑन 31st March 2020, ये जो WDV आएगा मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर द डेप्रिसिएशन रेट फॉर द सेक of example 25%, so this multiplied by 25% will be your depreciation. तो calculation part simple है students, calculation part ज़रा भी difficult नहीं है, accounts में भी आप यही चीज़ करते हो, तो कुछ नया नहीं हमने discuss किया students, okay? हाँ block of asset आपके लिए नया था, आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया students, okay? सो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलता है, कभी भी घबराना नहीं, टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो दोनों पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये आपको अक्सर होता है ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, ओके यू विल फाइंड इट एंड प्लीज नोट, अभी ये ध्यान रखना। इफ एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days in the year of acquisition, acquisition का simple मतलब purchase समझ लो आप, in the year of acquisition then depreciation will be charged at half the rate। ये समझने की चीज़ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो। मतलब क्या है, जिस साल में आपने एसेट खरीदा, अभी हमारा साल तो 1920 है, ड्यूरिंग दिस ईयर ना आई परचेज अ कार फॉर माय बिजनेस यूज के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने परचेज किया 1st November 2019 को, ओके साल कब खत्म होगा स्टूडेंट्स, 31st I purchase it on 1st November, साल मेरा financial year previous year end होगा 31st March 20, so 1st November से 31st March 20 कितने महीने कितने दिन होते हैं, count that, okay? So November पूरा 30 days, December 31, Jan 31, Feb was 29 and March 31, है ना students? From November, December, Jan, Feb, March. So 30 plus 31 61 61 plus 29 90 90 plus 31 121 121 plus 31 152 days होता है। तो ड्यूरिंग द करंट ईयर 1920 आई परचेज अ कार एंड परचेज का डेट 1st November है, साल खत्म कब होगा 31st March 2020। एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट देखो हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, अगर वो कार का वैल्यू 4 lakh है तो आई विल से 4 lakh एज पर अकाउंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है तो 25/100, नवंबर में परचेज किया तो नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च तो 5 months का डेप्रिसिएशन, सो 5/12 स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ये करेक्ट है, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में देर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कि इतना महीना यूज किया तो इतने महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉट दैट वे। व्हाट दे से, अगर आपने जिस साल में आपने एसेट खरीदा, इफ एसेट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये साल में मैंने 1920 में एक कार खरीदी 4 lakh की 1st November को, 31st March मेरे फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, सो प्लीज काउंट फ्रॉम 1st November टिल 31st March कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स 152 days हो रहा है, 152 days, तो लेस देन 180 है, ये लेस देन 180 डेज है स्टूडेंट्स, ओके। सो इफ यू यूज योर कार फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये सिर्फ एक्विजिशन, जिस साल खरीदा उसी साल के लिए रूल अप्लाई करना, बाकी किसी साल के लिए नहीं,
If asset is used for less than 180 days in the year of acquisition purchase, depreciation will be charged at half the rate. अब हाफ द रेट का मतलब क्या? मैंने कार का कॉस्ट कितना एज्यूम किया स्टूडेंट्स? कार का कॉस्ट एज्यूम किया मैंने 4 लाख, जस्ट हमारे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स 4 लाख. स्टूडेंट्स हाफ द रेट मतलब 12.5/100. अब जो भी आंसर आएगा दैट इज करेक्ट एज पर इनकम टैक्स. ये इनकम टैक्स के हिसाब से ऊपर वाला कैलकुलेशन रॉन्ग है. इनकम टैक्स में प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन की बात नहीं होती है कि इफ़ यू हैव यूज एसेट फॉर 4 मंथ्स सो चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 4 मंथ्स, इफ़ यू हैव यूज एसेट फॉर 6 मंथ्स चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स. इनकम टैक्स ऐसा नहीं कहता. इनकम टैक्स कहता है आपने एसेट ये साल परचेज किया है ना, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ डेज काउंट करके देखो. अगर नंबर ऑफ डेज यूज करने का, इफ़ यूर यूज इज फॉर लेस देन 180 डेज, चार्ज डेप्रिसिएशन एट हाफ द रेट. हाफ द रेट मतलब 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 12.5 चार्ज करो. 20% rate of depreciation है तो charge 10%. That is the meaning, students. So this is very important जब हम लोग question solve करेंगे. If asset is used for less than 180 days in the year of acquisition, please students, in the year of acquisition. जिस साल आपने खरीदा उसी साल ये rule apply होता है students 180 days का. अब suppose for the sake of example same car. अभी next financial year कौन सा होगा students? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी ये 1920 है, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर भी 2020-2021. वो साल में मैंने कार ना जस्ट फॉर द 100 डेज यूज करी तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? नॉट हाफ द रेट, फिर मैं पूरा डेप्रिसिएशन 25% लूंगा. फॉर द सिंपल रीजन वो 180 डेज का रूल स्टूडेंट सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में अप्लाई करना. जिस साल आपने कार खरीदी ना उसी साल 180 डेज काउंट करके देखो. नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फिर आप नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं करोगे, फिर आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये. सो व्हेन यू परचेज एन एसेट इन दैट ईयर ओनली काउंट द नंबर ऑफ डेज आपने कितना दिन यूज किया. इफ इट इज लेस देन 180 डेज स्टूडेंट्स then please you must charge depreciation at half the rate, okay? और फिर next year onwards मतलब purchase का अगला साल जो भी होगा ना student, फिर please वो साल में ऐसा कुछ मत करना, फिर then charge full depreciation students, हमेशा फिर पूरा मिलेगा आपको. okay? so ये important point clear. now next important point students, same way अभी अगला important point. तो आई कैन से आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं. दिस वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान रखना. अभी क्या मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो ऊपर मैंने एक ना स्टूडेंट्स क्या किया था, ये एक फॉर्मेट बनाया था ना, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट माइनस एसेट सोल्ड, तो मुझे क्लोजिंग WDV मिला. मैं वही फॉर्मेट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस वही फॉर्मेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओपनिंग WDV किसी भी ब्लॉक का, सर जस्ट ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. सपोज ओपनिंग WDV 10 लाख है, ओके, प्लस कोई एसेट खरीदा मैंने, एसेट परचेज, पूरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, एसेट एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 5 लाख का मैंने एसेट खरीदा, ओके स्टूडेंट. कुछ एसेट मैंने बेचा भी इसी साल में, ये ब्लॉक में से मैंने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, सोल्ड हुआ 3 लाख का. सो 10 + 5 = 15, 15 - 3 = 12 लाख. तो मैं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगा? मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर द परसेंटेज आई विल गेट द डेप्रिसिएशन जो भी आता है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये तो मैंने सिंपल ऐसा बताया था आपको. ओके, नाउ स्टूडेंट सेम एग्जांपल, ये ओपनिंग WDV है ना, समझ लो, ऐसा समझते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि इसमें दो एसेट हैं, एक एसेट का नाम ए है और बी, दोनों का टोटल मैंने यहां लिखा. एक आपने नया एसेट सी खरीदा, ओके स्टूडेंट्स, और आपने अभी क्या किया, बी बेचा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. अभी यहां देखो स्टूडेंट्स, प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान देना, अभी ओपनिंग WDV ए और बी का 10 लाख, सी आपने खरीदा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 1 लाख में आपने ये एसेट खरीदा, और बी ना, बी आपने बेच दिया 12 लाख में, और चलो 12 नहीं लिखता हूं, 11 लाख में लिख देता हूं. तो फाइनल आंसर विल बी, क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं स्टूडेंट्स? देखो कितने एसेट थे पहले बिगिनिंग में, ए एंड बी, एक और एसेट खरीद लिया सी, तो 3 एसेट हो गए,
15 में से एक बेच दिया तो कितने एसेट बचे? दो एसेट अभी भी बचे, बट WDV कितना आया क्लोजिंग? निल, तो डेप्रिसिएशन भी निल होगा। आगे सोर में स्टूडेंट्स, सो प्लीज रिमेंबर, आपका ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ। ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ मतलब क्या? अभी भी दो एसेट बाकी है, देर आर स्टिल टू एसेट लेफ्ट इन दिस ब्लॉक। वी हैड इन द बिगिनिंग ए एंड बी, सी नया खरीदा तो तीन एसेट हो गया ए बी एंड सी, ओके। आउट ऑफ दैट बी आई सोल्ड, सो स्टिल आई हैव ए एंड सी। ए एंड सी मेरा बुक्स में अभी भी बाकी है स्टूडेंट्स, ऑल्दो उसका वैल्यू जीरो हो गया, बट मेरा फैक्ट्री में अभी भी ए एंड सी मशीनरी है मेरे पास, ओके। वो तो मैंने बेचा नहीं, बट आई कांट चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन विल बी निल क्योंकि आपका रिटर्न डाउन वैल्यू निल हो गया। दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग, अभी वो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, नो डेप्रिसिएशन इफ WDV इज जीरो, ऑल्दो देर आर Still some asset, एक दो asset अभी बचे left under that block। आपके पास दो asset बचे हैं but आप depreciation charge नहीं कर सकते, ठीक है students? Same example students, अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी वो example opening WDV, चलो next slide पे लिखता हूँ। ओपनिंग WDV ए प्लस बी 8 लाख, ऐसा कुछ भी assumption कर रहा हूँ सुनिए, ये एसेट ए है और एसेट बी है, प्लस कोई एसेट खरीदा, सो प्लस परचेज ऑफ एसेट, मैंने एसेट सी खरीदा 2 लाख का, ऐसे कुछ भी नाम एसेट सी खरीदा, माइनस सोल्ड एसेट बेचा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों बेच दिया स्टूडेंट्स मैंने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने 5 लाख में बेच दिया, सो 8 + 2 = 10 - 5 = 5 लाख। कैन आई चार्ज डेप्रिसिएशन नाउ? WDV वैल्यू तो बची है बट आई कान चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन विल बी निल फॉर द सिंपल रीजन वैल्यू तो है बट एसेट थोड़ी रह गए आपके पास। स्टार्टिंग में ए एंड बी था, वन मोर एसेट यू परचेज, यू हैड 3 एसेट बट स्टूडेंट्स आपने तीनों बेच दिए वो ब्लॉक के एसेट, सो ऑल दो ब्लॉक हैज अ वैल्यू बट देर इज नो एग्जिस्टिंग एसेट। आप अपनी फैक्ट्री में जाके देख रहे हो तो तीनों मशीनरी बिक चुकी है, तो किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? ऑन नॉन एग्जिस्टिंग एसेट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कॉमन सेंस है ना स्टूडेंट, नॉन एग्जिस्टिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसा हो सकता है? ठीक है आपके बुक्स में वैल्यू बची है, प्रीवियस केस में कैसा था स्टूडेंट्स? बुक में वैल्यू जीरो हो गया था, आपके पास एसेट था तो भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिला। अभी ये केस कैसा है? बुक में वैल्यू है बट डेप्रिसिएशन, सॉरी एसेट आपके सारे बिक चुके, ऑल एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड सोल्ड, सो नो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, ओके। सो नो डेप्रिसिएशन व्हेन ऑल द एसेट आर सोल्ड अंडर अ ब्लॉक, ओके। सो भले वैल्यू बच जाए मगर एसेट सब बिक गए तो भूल जाना स्टूडेंट्स, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ओके। सेम वे स्टूडेंट्स, इसका कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस अब है नहीं, इंपोर्टेड कार्स होती थी ना स्टूडेंट्स, तो इंपोर्टेड कार्स पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, कब से कब तक? March 1, 1975 टिल इट वॉज 31 March 2001। अगर किसी के पास इंपोर्टेड कार थी ना ये पीरियड में, वो इंपोर्टेड कार लेता था खुद के यूज़ के लिए, तो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं मिलता था। 2001 के बाद से स्टार्ट कर दिया उन्होंने स्टूडेंट्स, ओके। सो आपको ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट्स, तीन क्या चार हो गए ना, 180 डेज का भी मिला के 4 पॉइंट्स हो गया। तो स्टूडेंट्स पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया डेप्रिसिएशन, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंडीशंस बड़े आसान है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप एसेट के ओनर होने चाहिए, वेरी गुड। एसेट किस लिए यूज़ करना चाहिए? पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस प्रोफेशन में आपने एसेट यूज़ किया तो यू विल गेट डेप्रिसिएशन। एसेट शुड बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 में आपने यूज़ किया तो 1920 में डेप्रिसिएशन मिलेगा, 1920 में यूज़ ही नहीं किया तो हाउ कैन यू गेट डेप्रिसिएशन? सिंपल, फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस किया। WDV बेसिस हमेशा यही मेथड फॉलो करना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, यूज मतलब ना उसमें रेडी टू यूज भी कवर होता है, आपने यूज नहीं किया बट मशीनरी इंस्टॉल करके तैयार है, बस उसको स्विच ऑन करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इट इज लाइक अ यूज, रेडी टू यूज को भी यूज ही माना जाता है, एंड यू मस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन। फिर ब्लॉक मैंने, ये स्टूडेंट्स ये कॉपी मत करना, ये आपके रेफरेंस के लिए, इनकम टैक्स में 10 डिफरेंट ब्लॉक हैं, पहला 3 ब्लॉक बिल्डिंग का, एक 4 फर्नीचर का, 5th से लेकर 9th तक
मशीनरी प्लांट मशीनरी 10 इंटेंजिबल एसेट का है. तो व्हाट डज इट मींस टेंजिबल इंटेंजिबल, हर एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है. तो इसमें क्या किया उन्होंने, ग्रुप बनाया. तो ब्लॉक का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. आपके पास ऐसी जितनी भी बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 5% वाली, उन सबको ये ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग. आपके पास कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग है, उन सबका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो उनको सेकेंड ब्लॉक में लिखो. ऐसा आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं एंड ग्रुप वाइज यू क्लेम डेप्रिसिएशन. इंडिविजुअल एसेट पे नहीं मिलता स्टूडेंट्स, आप ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप को ब्लॉक कहा जाता है. ओके, एंड ऑन दैट ब्लॉक यू चार्ज डेप्रिसिएशन, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन हियर. तो खाली आप इसका मीनिंग लिख लेना ब्लॉक का, ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. देन स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मेट बताया, अकाउंट्स में भी आप यही फॉलो करते हैं, ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल. तो आपको क्लोजिंग WDV उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट कब अप्लाई करना, इफ यू परचेज एनी एसेट ड्यूरिंग 1920 करंट ईयर में आपने परचेज किया कोई एसेट ना, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करके देखना. अगर नंबर ऑफ डेज 180 डेज से कम आया तो चार्ज डेप्रिसिएशन एट हाफ द रेट. हाफ द रेट मतलब क्वेश्चन में अगर 30% का है तो आप 15% चार्ज करना. दैट वॉज पॉइंट नंबर वन. टू स्टूडेंट्स मैंने वही फॉर्मेट बनाया, आपको एक्सप्लेन किया कि दो एसेट थे बिगनिंग में ए एंड बी, आपने सी खरीद लिया बी बेच दिया. तो नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स कि आपके पास ए और सी बचा है, बी तो बिक गया, बट आप जब प्लस माइनस करते हो तो WDV जीरो आ रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज आपका WDV जीरो. ऑल्दो देर आर स्टिल टू एसेट लाइंग विथ यू, आपके फैक्ट्री में अभी भी दो मशीन बाकी हैं ए और सी, बट आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते. दैट्स व्हाट ईयर आई हैव रिकॉर्डेड. इफ WDV जीरो, नो डेप्रिसिएशन. सेम वे उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके अमाउंट चेंज कर लिया, ए बी दो एसेट था, आपने सी एक और खरीदा और ड्यूरिंग द ईयर तीनों एसेट बेच दिया, सी खरीदा बाद में बेच भी दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो तीनों एसेट बिक गए. अब आपके पास वो ब्लॉक में कोई एसेट बचा ही नहीं, वो ग्रुप में कोई एसेट है ही नहीं, और आपका वैल्यू अभी भी है 5 लाख का, बट यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस 5 लाख बिकॉज देर आर नो एग्जिस्टिंग एसेट. सो नॉन एग्जिस्टिंग एसेट पे स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, दैट्स व्हाट हियर आई रिकॉर्डेड. नो डेप्रिसिएशन व्हेन ऑल द एसेट आर सोल्ड अंडर अ ब्लॉक. इंपोर्टेड कार पे March 1, 1975 से 31 मार्च 2001 कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं मिलता था. 2001 के बाद से इंपोर्टेड कार पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया. ओके, तो हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ. इसके अंडर वो भी होता है डेप्रिसिएशन अंडर एब्जॉर्ब्ड. ओके, तो क्या करने का, बट दे नेवर आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स, तो मैंने वो डिस्कस नहीं किया है. तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मेट, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया स्टूडेंट्स. ओके, और फिर ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 180 डेज वाला, फिर ये एग्जाम्पल से WDV निल है तो नो डेप्रिसिएशन, सारे एसेट बेच दिए ऑल दो यू हैव ए वैल्यू अंडर WDV बट स्टिल नो डेप्रिसिएशन, ये तीन पॉइंट. अन इम्पोर्टेड का उसका